नमस्कार, दिस इज़ कपिलदेव शर्मा एंड आई वंस अगेन वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय कपिलदेव शर्मा। दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द टेस्ट और से प्रैक्टिस सेट ऑफ आर्टिकल्स। एक बार जल्दी से मार्क करूँ जितना अभी तक पढ़ा दिया है। द वेरी फर्स्ट टॉपिक नाउन आपको कम्प्लीटली मार्क कर दिया है, सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं। प्रोनाउन आपको पूरा पढ़ा दिया है, सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं। एडजेक्टिव्स कंप्लीट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा, हर वीडियो है हर टॉपिक का। और आर्टिकल्स का ये लास्ट वीडियो है, पूरे आर्टिकल आपको पढ़ा दिए। द वेरी फर्स्ट वन, इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द, यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, उसके अलावा ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, और एक वीडियो में कहां पर यूज करना है कहां पर नहीं यूज करना, स्पेसिफिकली सेंटेंस की नीड के अकॉर्डिंग आर्टिकल्स को वेरी किया जा सकता है। तो आप वो 10 वीडियो देख लीजिएगा। और लास्ट वीडियो इनिशियल कहिए हाफ फ्रैक्शन था उसके टेस्ट या फिर प्रैक्टिस सेट के डिस्क्रिप्शन का। इससे पहले मैंने एक सेट अपलोड किया था जिसमें 105 क्वेश्चन थे, जिसमें से 51 क्वेश्चंस मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा दिए हैं। तो ये सेकंड पार्ट है, वापस कहना चाहूंगा, जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो पहले वो 51 क्वेश्चंस देख लीजिएगा। बिकॉज अगर कई चीजें मैं वहां पर आपको डिटेल में समझा चुका हूं तो वो चीजें मैं डिटेल में यहां पर नहीं समझाऊंगा। बिकॉज मैं ये सोचकर चलता हूं कि आप ये फ्रैक्शन तब देख रहे हैं ये वीडियो जब वो देख चुके हैं, अदरवाइज आधे का कोई भी मतलब नहीं है। सो लेट स्टार्ट दिस सेशन, आर्टिकल्स प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज। बट हाँ, मैं कहना चाहूंगा ये पार्ट टू है, वो पार्ट वन पहले ही अपलोड हो चुका है, एक बार उसे चेक कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा होगा। एंड इट इज हैविंग फुल सॉल्यूशन विद देयर आंसर्स एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले छोटी मोटी बातें जिससे आप मुझसे जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आपके काइंड सपोर्ट के लिए। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं विद द सेम नेम, इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। चैनल भी है जहां पर मैं डेली जो भी क्लासेस होती हैं उनको अपडेट करता रहता हूं। अनअकैडमी पर क्लास होती है, कुछ फ्री क्लासेस हैं, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, तो वो आप सारे नोटिफिकेशन वहां से ले सकते हैं। ग्रुप भी है, चैनल भी है, आपको डाउट्स आती हैं आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हैं, कई स्टूडेंट्स क्लियर कर देते हैं, आप भी लोग आपस में शेयरिंग पर, कभी मैं फ्री होता हूं मैं भी मार्क कर देता हूं। सो प्लीज ज्वाइन माय ग्रुप एज वेल एज चैनल एट टेलीग्राम विद द सेम नेम, इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। एंड प्लीज फॉलो मी एट अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट एंड ऑनलाइन चीपेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर प्लस एजुकेटर हूं इन द बैंकिंग स्ट्रीम। और आप किसी भी चीज के सब्सक्रिप्शन लेने से पहले अनअकैडमी पर मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज कपिल सर, एंड यू विल बी गेटिंग अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 10%, KAPILSIR, प्रीटी सिंपल। स्टार्ट करते हैं इस सेशन को जो कि आर्टिकल्स प्रैक्टिस सेट का सेकेंड वीडियो है। आप देख सकते हैं शुरू के 51 क्वेश्चंस मैं वहां पर पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट वापस रहेगी, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा, ये सारे वेरिएशंस मैं आपको वहां पर मार्क कर चुका हूं। आगे बात करते हैं 51 के बाद 52nd या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए द वेरी फर्स्ट वन। इन द कंक्लूजन इट मे बी सेफली असर्टेड दैट द पोएट प्रीचेस सम मोरल इम्प्लिसिटली। ठीक है, जैसे कई वेरिएशंस को, आर्टिकल्स की बहुत कहानी है, मैं भी फॉलो करता हूं, जो लोग मुझसे रेगुलर जुड़े हैं, कई बार कहा एक चीज, एक शब्द की एटमोलॉजी क्या कहती है, वो कहां से आया, कब कब चेंजेस हुए उसमें, कौन सी लैंग्वेज का है, बहुत वेरिएशंस होते हैं। पर जनरली जो आपसे कहा वो यहां भी मार्क करना चाहूं कि हाँ, हम रट लेते हैं, ठीक है, कई फ्रेजेज हैं, कई इडियम्स हैं जो लंबे समय से वैसी ही चलती आ रही हैं। वापस कहूंगा कोई नया हो तो प्लीज पुराने वीडियोस देख लीजिएगा, उन फ्रेजेस के मैंने रीजन आपको मार्क किए थे। सेम रीजन यहां पर मार्क करना चाहूं, इन द कंक्लूजन गलत नहीं होगा कहना, लेकिन आपने अगर इस कंक्लूजन को डेफिनेट बनाया है, आपको इसके बाद फिर से डिस्क्रिप्शन देना होगा, किस बात का कंक्लूजन और किस चीज का कंक्लूजन जिसके आगे डिस्क्रिप्शन नहीं है। सो व्हेन यू से, कॉमन लाइंस हैं वही, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, आगे दिखाया ना ऑफ लिबर्टी, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, डिस्क्रिप्शन दीजिए, आगे कंक्लूजन के है नहीं। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा, इन कंक्लूजन एडिमेटिकली ही लिखा जाता है, इसके साथ कभी भी आर्टिकल प्लेस नहीं करते। मुझे इसका रीजन एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन उसी कैटेगरी में इसको रखा जा सकता है जहां पर स्कूल, चर्च, टेंपल, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, जेल, बैड जैसे शब्दों के ऑब्वियस यूज पर, यानी जिस चीज के लिए उसको बनाया गया है उसी फॉर्म में इस्तेमाल किया जाए, तो आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। तो जनरली ध्यान रखिएगा, इन कंक्लूजन होता है, ये एग्जांपल कई बार कई जगह पर पूछा गया है, ना कि इन द कंक्लूजन। तो कंक्लूड करते हुए उसने बताया कि ऐसा ऐसा होता है, जो भी आप कहना चाहें, इन कंक्लूजन ना के इन द कंक्लूजन। ओके, द नेक्स्ट वेरिएशन, द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज एंडोड विद द पावर ऑफ स्पीच।
कहा जा सकता है कि इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसको बोलने की और वो भी स्पीच की, अपनी बात को कहने समझाने की क्षमता ईश्वर प्रदान करता है। ऐसी कई एबिलिटीज ईश्वर ने इंसानों को ही दी है। आपको याद होगा एक छोटी सी लाइन के सहारे के मैन इज मॉर्टल कहा जाता है। जब पूरी मानव जाति की बात होती है तो उसमें अ मैन नहीं कहना, मुझे द मैन कह के डिफाइन नहीं करना। मैन इज मॉर्टल, जिसने जन्म लिया उस सबको जाना है। ये भी पूरी कम्युनिटी के लिए है। अगर ये किसी एक इंसान के लिए होता वो आदमी, तो शायद आप यहाँ पर आर्टिकल प्लेस कर लेते। अगर ये इंडेफिनेट होता तो कोई भी आदमी हो सकता था, लेकिन जब हम पूरी कम्युनिटी की बात करते हैं तो वहां पर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आर्टिकल की नीड नहीं है। मैन इज मॉर्टल और ऐसे कई वेरिएशन लिखे जा सकते हैं। सो मैन फॉर द होल कम्युनिटी इज द ओनली क्रिएचर दैट इज एंडोर्ड विद द पावर ऑफ स्पीच। ठीक है, इन जनरल मैं एक बार वापस कह रहा हूं, जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन में वहां पर इजीली मार्क कर चुका हूं, उन्हीं चीजों को आगे लेकर चल रहा हूं। तो जनरली जैसे मैन इज मॉर्टल है, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, उसी फॉर्मुलेशन में मैन इज द ओनली क्रिएचर टू डेमोंस्ट्रेट द होल कम्युनिटी। स्पेसिफिक है, डेफिनेट है, आप लगा सकते हैं। कम्युनिटी के लिए इंसानों के साथ आर्टिकल मार्क नहीं किए जाते। ओके, दिस हैज टर्न टू बी turned out to be one of our more successful projects and we have made quite large a profit from it. ये sentence इतनी जगह मुझे लिखा मिला है जिसकी कोई limit नहीं है। मैंने तो precisely लिया 2009 के Indian Overseas Bank के exam में पूछा गया था। इसके अलावा ये 15, 16, 17 आपको हर वक्त कहीं ना कहीं repeat होता मिलेगा। ठीक है, this has turned out to be one of our most successful projects and we have made quite large a profit. अगर आपको याद होगा मैंने कुछ शब्द शेयर किए थे 7-8 के आसपास, how, to, so, quite, what, such जैसे शब्दों के लिए, जहां पर आर्टिकल की पोजिशन ये लोग खुद डिफाइन करते हैं। जनरल पैटर्न नहीं चलता कि अ गर्ल, अ ब्यूटिफुल गर्ल आर्टिकल पहले, अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल आर्टिकल और पहले, ये अपने बीच में भी पा सकते हैं। जैसे अ वॉट मैच ना होकर वॉट अ मैच कहा जाता है, आर्टिकल बीच में है। जैसे अ सच मैन ना होकर सच अ मैन कहा जाता है, वैसे ही क्वाइट के बाद ही आर्टिकल प्लेस करके स्ट्रक्चर्स लिखी जाती हैं। मैंने वीडियो में डिटेल में पढ़ाई है, उसी बात का ये फ्रैक्शन है। तो करेक्शन होगा, क्वाइट लार्ज अ प्रॉफिट नहीं होगा, क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट आपको लिखना होगा। आई रिपीट, क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट आपको लिखना होगा। आर्टिकल जो है वो क्वाइट के जस्ट बाद लिखा जाता है। स्ट्रक्चर मैंने आपको रिकॉल कर दी, जैसे वॉट अ मैच, सच अ मैन जैसे टर्म्स लिखे जाते हैं। सो बिग अ हाउस शायद आपको याद हो, अदरवाइज वीडियो में देख लीजिएगा। टू टफ अ टास्क दैट बिग अ हाउस, ऐसे कई एग्जाम्पल्स इस शीट में, इस सेशन में और भी रहेंगे। सो क्वाइट के जस्ट बाद आर्टिकल लिखा जाता है। क्वाइट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क, ना कि क्वाइट डिफिकल्ट अ टास्क या फिर अ क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। इस तरह इन वेरिएशन को बनाकर एग्जाम में देते हैं जो गलत हैं, आपको उनका करेक्शन मार्क करना है। सच अ मैन, वॉट अ मैच, क्वाइट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन या फिर क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट, प्लीज ध्यान रखिएगा। एक बार क्विक रिकॉल स्लाइड का। इन कंक्लूजन, अंततः ऐसा हुआ वैसा हुआ, किसके अंत वो आपका पैसेज आपको दिखा देगा। जनरली जिस चीज का इस्तेमाल जिसके लिए करते हैं आर्टिकल नहीं लिखा जाता। जब पूरी जानवरों की कम्युनिटी के लिए आर्टिकल आता है, इंसानों की जब पूरी कम्युनिटी की बात की जाती है तो वहां पर आर्टिकल प्लेस नहीं करते। तो मैन इज ऐसा, मैन इज वैसा, मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज एंडोर्ड विद एन आर फॉर द होल कम्युनिटी, और क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट, सच अ मैन, वॉट अ मैच। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, Dr. Radhakrishnan was a more famous philosopher than a politician. आप लोग पढ़े होंगे, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम सिर्फ मेरे ही वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा बहुत आइडिया होगा। मैंने क्यों मार्क नहीं किया, बिकॉज मुझे वो फॉर्मेलिटी नहीं करनी, डिटेल में पढ़ाना है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको मार्क किया था, आपने भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा एक जनरल सी लाइन के, जब एक इंसान की बात होती है तो आर्टिकल एक बार लिखा जाता है, चाहे वो अ, एन या फिर द हो, और जब दो चीजों की बात की जाती है तब आर्टिकल दो बार लिखे जाते हैं, शायद आपको याद होगा। सिर्फ यहां पर एक इंसान की बात है, डॉक्टर राधाकृष्णन एक इंसान है। वॉज अ मोर फेमस फिलोसोफर, कोई अ को गलत मत मानिएगा, आर्टिकल फिलोसोफर के साथ है, द कपिल शर्मा शो, प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, हर चीज की क्लैरिटी है। इसलिए ऐसी कोई चीज मैं अभी मार्क ही नहीं करूंगा जिसको मैंने न पढ़ाया हो, स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ते रहेंगे आप। डॉक्टर राधाकृष्णन वॉज अ मोर फेमस फिलोसोफर, अगर यहां से फिलोसोफर यानी नाउन हटा दूं तो आर्टिकल भी हट जाएगा। A more famous philosopher than a politician. अगर आप दो लिखते हैं तो मैं अभी भी कहूंगा एग्जाम में इसको गलत मानेंगे, लैंग्वेज में ये गलत नहीं है, फिर अलग अलग कंपैरिजन मार्क होंगे। राधाकृष्णन जी को फेमस फिलोसोफर माना जाएगा किसी और पॉलिटिशियन से।
और टेक्निकली ग्रामेटिकली लॉजिकली कहिए किसी फिलोसोफर का कंपैरिजन हम पॉलिटिशियन से तो नहीं करेंगे। तो वही इंसान था जो कि एक फिलोसोफर भी बहुत अच्छा था, वही इंसान एक पॉलिटिशियन भी बहुत अच्छे थे। इस केस में एक इंसान के जिक्र में दो बार आर्टिकल प्लेस नहीं किए जाते। सो द करेक्शन विल बी ही वॉज अ मोर फेमस फिलोसोफर देन पॉलिटिशियन। ऑकवर्ड हो सकता है लेकिन पॉइंट्स आप भी जानते हैं। अ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आर्टिकल एक बार रखती है लेकिन अ ब्लैक एंड अ व्हाइट शर्ट, उस केस में मेरे पास एक ब्लैक और एक व्हाइट शर्ट है, यानी दो शर्ट मेरे पास हैं। साधारणतः एक इंसान के साथ दो बार आर्टिकल प्लेस नहीं किया जाता। ओके, नेक्स्ट वेरिएशन। व्हेनेवर आई मीट हिम ही ऑलवेज मेक्स अ मेंशन ऑफ हिज फादर। ऑनेस्ट आंसर, मुझे इसका रीजन नहीं पता। ऐसा नहीं कि मैं परफेक्शन रखता हूं, कोई नहीं रखता दुनिया में, तो मैंने इसको काफी ढूंढा कि मेक्स अ परफेक्शन, मेंशन, ये भी इडियोमेटिकल लाइन है और वो लोग लिखते हैं कि इसमें आर्टिकल प्लेस नहीं किया जाता। आज तो मेरे पास इसका आंसर नहीं है, आप रट ही लीजिएगा। मैंने भी, आपने भी हमेशा शायद टेलर लाए और मेकर नॉइज को रटा था जिनके आंसर्स मैंने आपको दिए। परफेक्शन कभी नहीं है, कभी आगे होगा तो रीजन मार्क कर दूंगा, बट आप ध्यान रखिएगा ये भी एक अच्छी एरर है जो एग्जाम में लिखी जाती है। मैंने आपसे पहले भी कहा था सारे एग्जाम्पल्स या तो किसी स्टैंडर्ड बुक के हैं या फिर एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो मेक अ मेंशन नहीं होता, किसी का जिक्र करने के लिए मेक मेंशन कहा जाता है। आगे डिस्क्रिप्शन दे दीजिए ऑफ हिज फादर, मदर, फ्रेंड, जो आप कहना चाहें। एक कॉमन लाइन, मेक अ मेंशन ना होकर मेक मेंशन ऑफ दिस एंड दैट इडियोमेटिकली ही लिखा जाता है। ऑनेस्ट आंसर, मेरे पास रीजन नहीं है। आर्टिकल हो सकता है, मेंशन कोई अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, बट इसको ऐसे ही लिखा जाता है, मेक मेंशन ऑफ हिज फादर। मैंने इसकी एटमोलॉजी नहीं देखी है कहां से आया कैसे आया, इसीलिए जनरल लाइन प्लीज ध्यान रखें। मेक अ मेंशन लिखकर एग्जाम में गलती आती है, उसे ड्रॉप कीजिएगा। मेक मेंशन ऑफ हिज फादर विल बी अ करेक्ट स्ट्रक्चर इडियोमेटिकली। एक अच्छी लाइन जैसे प्रीवियस स्लाइड में थी, क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट, क्वाइट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सेम लिखा हुआ है। सो ड्रास्टिक ड्रॉप, अब ये ड्रॉप नाउन है, ठीक है, ड्रास्टिक एडजेक्टिव हो गया, सो एडवर्ब हो गई, तो अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल आर्टिकल लगाते हैं इधर, लेकिन आपको पढ़ाया था कि सो, टू, हाउ, क्वाइट, व्हाट, सच, ऐसे शब्दों के लिए आर्टिकल की पोजिशन नाउन के पहले आती है, इसीलिए सो ड्रास्टिक ड्रॉप लिखना जायज होगा। रिक्वेस्ट है जिन्होंने पढ़ा है उनको क्लियर होगा, जिन्होंने नहीं आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा। सो बिग अ हाउस, टू टफ अ टास्क, एज स्मार्ट अ मैन, ये स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ाई थी, वही एग्जांपल है। देखने में बहुत ऑकवर्ड लगता है और ये चीजें बहुत रैंडमली पूछी जाती हैं। ये स्टैंडर्ड है जो बैंक पूछ लेती है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि बैंक में एरर्स नहीं आती, हाँ ऑफ्टन नहीं आती है, लेकिन या तो ब्लंडर होगी कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल लगा दिया तो वो गलत है ही। मेकर नॉइज में आर्टिकल नहीं लिखोगे तो गलत है, टेलर लाइन में नहीं लिखोगे। हाँ जनरल इनकी मिस्टेक उनकी मिस्टेक को द मिस्टेक लिखना कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हाँ ये स्ट्रक्चर्स आपके बैंक में स्टैंडर्ड तौर पर पूछे जाते हैं और किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, और ऑब्वियसली BOB 2008 में पूछा, उसके बाद कई जगह रिपीट हुआ है। सो ड्रास्टिक अ ड्रॉप, सो बिग अ हाउस, मैंने आपको वहां पढ़ाया था, शायद आपको एक एग्जाम्पल याद आ जाए। सो बिग अ हाउस, जब सो के साथ हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, ही सो स्मार्ट, ही सो इंटेलिजेंट, शी सो ब्यूटिफुल, हमने कभी भी आगे इनके दैट आ जाता है, राइट। हमने कभी इनके बाद नाउन नहीं देखी, और अगर वहां नाउन आती है, शी इज सो इंटेलिजेंट, ठीक है, शी इज सो, ही इज सो रिच, ही इज सो वीक, अगर यही नाउन आई तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। सो इंटेलिजेंट अ गर्ल, सो ब्यूटिफुल अ गर्ल, सो रिच अ पर्सन, सो वीक अ पर्सन, आर्टिकल जस्ट नाउन के पहले होगा, पढ़ाया था, आप रिकॉल कर सकते हैं। सो ड्रास्टिक अ ड्रॉप इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन मीन्स अ हैवी लॉस फॉर फार्मर्स। क्विक रिकॉल इस स्लाइड का। एक इंसान के लिए ज्यादातर हम दो आर्टिकल मार्क नहीं करते, इसीलिए सिर्फ एक इंसान का जिक्र है, एक बार आर्टिकल लिख दीजिए, दूसरे को हटा दीजिएगा। मेक मेंशन, रीजन नहीं पता, ऑनेस्ट आंसर, मेक मेंशन, बट आप इडियोमेटिकली याद रख सकते हैं, होता है, हाल फिलहाल मैं भी वही कहना चाहूंगा, मेक मेंशन ऑफ समवन, किसी का जिक्र करने के लिए। और सो बिग अ हाउस, टू टफ अ टास्क, सो ड्रास्टिक अ हाउस, सो ड्रास्टिक अ ड्रॉप, अ कैच, अ शॉट, जो आप कहना चाहें, ऐसी स्ट्रक्चर में आर्टिकल नाउन के पहले आता है। Moving on to the next slide. Those in hurry
should realize that speed is no key to success in life. पढ़ तो लिया मैंने पूरा, ये तो भी उन रटी हुई चीजों में से है. हरी इंग्लिश में वर्ब है, इन इंग्लिश में प्रपोजिशन है. प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट कभी वर्ब नहीं हो सकती. रामबाण के सहारे प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं. आप आर्टिकल लगा दीजिए, वेरिएशन क्लियर रहेगा. सो इन अ हरी कहा जाता है, ना कि इन हरी मा किया जाता है. मैंने डिटेल में समझाया था, वापस रिकॉल हुआ, आपको याद भी होगा, रीजन आप देख सकते हैं. दोज इन हरी ना होकर इन अ हरी, बिकॉज हरी वर्ब है, किसी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट वर्ब नहीं होती. इन अ हरी शुड रियलाइज दैट ऐसा ऐसा. जो लोग जल्दी जल्दी में होते हैं उनको ऐसा ऐसा भी देख लेना चाहिए. जो भी मीनिंग हो. सो दोज इन अ हरी मस्ट बी देयर. बीइंग एमए ओनली ही कुड नॉट बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ अ लेक्चरर. ठीक है, यहां पर आपसे कहते हैं आप क्या हैं, बीटेक ही तो हैं, एमटेक हैं भाई, बीसीए है, एमसीए है. यहां पर एमए अपनी डिग्री के लिए नहीं है, आपको रेफर करने के लिए है. आप कौन है भी? मैं पीएचडी हूं. तो मैं पीएचडी नहीं हूं, एक पीएचडी किया हुआ इंसान हूं. रिफ्लेक्शन मुझ पर ही है और मैं एक इंसान हूं. किसी कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल लिखा जाता है. तो आपको याद होगा एमए, एमएलए, एसपी, एसआई, इन शब्दों के हिंदी से ही हाल फिलहाल पढ़ाए थे. कभी बाद में मैं आपको इंग्लिश में भी आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा कि इनके जनरल साउंड जो जाते हैं वो फर्स्ट साउंड हमेशा आपका वावल्स पे जाता है. हिंदी के भी वावल्स और इंग्लिश के भी वावल्स, इसीलिए आपका वेरिएशन हमेशा एन से मार्क करते हैं. तो एम एल ए, एस पी, एस आई, ऐसे कई वेरिएशंस का फर्स्ट साउंड हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हिंदी से वेरीफाई कर लेते हैं. वेरिएशन होता है तो हमें फिर इंग्लिश फॉलो करनी पड़ेगी, उन्हीं के आर्टिकल्स और उन्हीं की ग्रामर हम पढ़ रहे हैं. तो एन एम ए इसका मतलब एक ऐसा इंसान जिसने एम ए कर रखी है, एक ऐसा इंसान जिसने बीटेक कर रखी है, एक ऐसा इंसान जिसने जो एमएलए है, जो एसपी है, जो एसआई है, ईटीसी. आपकी पोस्ट, आपका टाइटल दिखाने के लिए आर्टिकल्स रखे जाते हैं. अगर आप दुनिया के एकमात्र हैं आयरन मैन तो फिर द से रिप्रेजेंट किया जाएगा. अगर आप दुनिया के एकमात्र हैं मिसाइल मैन तो फिर द से लिखा जाएगा. एकमात्र हैं द रॉक. लेकिन एम ए, एम एल ए, एस पी तो बहुत सारे होते हैं, इसीलिए इंडेफिनेट आर्टिकल कोई और भी हो सकता है. तो बीइंग एन एम ए ना कि अ एम ए, प्लीज ध्यान रखिएगा. डिपेंडिंग अपॉन द साउंड ऑफ द अपकमिंग टर्म. While climbing the hills, पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते कोई ना कोई पहाड़ रहा होगा. ठीक है, द पुअर पर्सन, जो गरीब इंसान था, फाउंड द बॉक्स ऑफ पर्ल्स. पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते जो गरीब इंसान था जिसके बारे में सेंटेंस लिखा है, उसने वो बॉक्स ऑफ पर्ल्स पाया. अब वो पहाड़ चढ़ रहा था, ना कि बॉक्स ऑफ पर्ल्स लेने गया था. तो ये तो रैंडम बात है. आपको एक लाइन याद होगी, जब किसी चीज का जिक्र पहली बार किया जाता है तो उसके लिए इंडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं. तो यार मैं रास्ते में जा रहा था शाम को, तो मुझे एक जमीन पर अजीब सी पड़ी हुई चीज मिली. जब मैं वहां गया था तो एक इंसान मुझे मिला जिसने मुझसे ऐसा ऐसा कहा. व्हेन समथिंग इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन अ पैसेज, वी यूज इंडेफिनेट आर्टिकल, नॉट अ डेफिनेट आर्टिकल. सो से व्हाइल क्लाइंबिंग द हिल्स, पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते उस गरीब इंसान को एक पूरा बॉक्स मिल गया जिसमें पर्ल्स थे. जनरल तौर पर किसी भी चीज को जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल अ रखा जाता है. एक क्विक रिकॉल इस स्लाइड का. इन अ हरी वेरिएशंस के साथ डिटेल में आपको समझाया. टेल अ लाई, मेक अ नॉइज. एक एमए आप हैं, एक ऐसे इंसान हैं जिसने एमए कर रखा है. साउंड के आधार पर एम एल एन एस ए एस, ऐसे चीजों का फर्स्ट साउंड वावल साउंड होता है. इसके लिए इनके साथ हमेशा इंडेफिनेट आर्टिकल एन का इस्तेमाल करें. डेफिनेट बना दीजिए, द भी आ सकता है, साउंड दी हो जाएगा. और जब किसी चीज का जिक्र पहली बार हो जो उस पैसेज में है ही नहीं, तो उसके लिए अक्सर इंडेफिनेट आर्टिकल आता है. हाँ, अब इसी बारे में मैं आगे लिखना चाहूं, वो जो डब्बा उसे मिला था, बॉक्स मिला था, उसमें ऐसा था वैसा था, फिर उस केस में आपको द बॉक्स लिखना करेक्ट होगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ही ऑलवेज टेक्स अ हैवी ब्रेकफास्ट बिकॉज ही जनरली स्किप्स लंच. हमारा नजरिया जनरली जाएगा अ ब्रेकफास्ट, गलत है. ब्रेकफास्ट, लंच और इनके साथ आर्टिकल प्लेस नहीं किया जाता. लेकिन आपको पढ़ाया था ये नो एरर है. ठीक है, नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं है. हाँ, लंच के पहले आर्टिकल लिखोगे तो गलत हो जाएगा. ब्रेकफास्ट सब करते हैं, खाने पीने की चीज है, ऑब्वियस सा काम है, रोजाना करना है. लंच सब करते हैं, डिनर सब करते हैं. लेकिन जब आप किसी भी चीज को डिफाइन कर देते हैं, मैंने पढ़ाया था, आप चेक कर सकते हैं, वेयर टू यूज, वेयर नॉट टू यूज आर्टिकल्स इन इंग्लिश. आप वहां डिटेल देखिएगा. कल उन्होंने हमें घर पर बुलाया है, तो उनके घर में रोजाना खाना खाने नहीं जाता, स्पेसिफिक है, एक बार उनके यहाँ खाना खाने जाना है. अ डिनर, अ लंच और अ ब्रेकफास्ट पॉसिबल है. डेफिनेट आपने उसका सेंस अलग दिखा दिया, रोज की मील्स वाला हिस्सा नहीं है. याद है उनके यहाँ जो खाना खाया था, द डिनर, द ब्रेकफास्ट, आपको यही एग्जाम्पल्स दिए थे. तो यहां भी वही है, जब जनरली ब्रेकफास्ट की बात आती है, नो आर्टिकल. लेकिन अगर आप उसे डिफाइन कर देते हैं, हर कोई तो हैवी ब्रेकफास्ट नहीं कहा था, उसकी बात हो रही है. अगर आप किसी भी चीज को डिफाइन कर देते हैं तो फिर उसके साथ आर्टिकल लिखना जायज है. तो आप भी ध्यान रखिएगा, ही टेक्स अ हैवी लंच, अ हैवी ब्रेकफास्ट,
अ हैवी डिनर, ऐसे किसी भी एडजेक्टिव के साथ अगर आप उसे अलग से डिफाइन करते हैं तब उस चीज को डेफिनेट इंडेफिनेट बनाया जा सकता है। हाँ, जनरली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जैसी मील्स के साथ आर्टिकल नहीं आता जब इनको डिस्टिंक्शन के तौर पर किसी एडजेक्टिव से डिफाइन फर्दर ना किया जाए। अगर डिफाइंड हैं तो आपका हक है, आप उसमें आर्टिकल लगा सकते हैं। प्लीज ध्यान रखें, ही टेक्स अ हैवी ब्रेकफास्ट, ही टेक्स अ बिजी ब्रेकफास्ट, फॉर एग्जाम्पल जल्दी जल्दी खाना खा लिया, कुछ भी एडजेक्टिव अगर आपने मार्क किया तो वो ब्रेकफास्ट फिर आपका डिस्क्रिप्टिव है, आपके वेरिएशन के अकॉर्डिंग है, और आप उस पर आर्टिकल लगाकर डेफिनेट इंडेफिनेट बना सकते हैं। प्लीज गो एंड फाइंड आउट डॉग, वैसे तो डॉग एक कॉमन नाउन है, मटेरियल है नहीं तो आर्टिकल जरूर आएगा। सो दैट यू मे नॉट लूज इट फॉर एवर, वो जो कुत्ता है उसको ढूंढ लाइए जिससे आप कहीं जिंदगी भर के लिए उसे ना खो दें। ठीक है, जरूर किसी स्पेसिफिक डॉग की बात की जा रही है जिसे आप फिर जिंदगी भर के लिए खो देंगे अगर आप उसे पकड़कर नहीं लाए। और जब किसी भी चीज का डिस्क्रिप्शन है तो ऑब्वियसली वो चीज डेफिनेट है, पैसेज में उसी के बारे में बात की गई है, आप उसे डेफिनेट आर्टिकल द से डिनोट कर सकते हैं। तो प्लीज फाइंड आउट द डॉग जिससे कि आप उसे लाइफ टाइम के लिए खो ना दें। एक लाइन मन में आ रही है, मैं बोल देता हूं, सर पिछले वाले में अ बॉक्स बोला था, वो भी तो पहली बार था, इसमें द डॉग है, अ डॉग नहीं हो सकता पहली बार, मुझे कोई भी बॉक्स पड़ा मिल सकता है, अर स्टैंड्स फॉर एनी पढ़ाया था, लेकिन यहां पर किसी भी डॉग की बात नहीं की गई है, किसी स्पेसिफिक डॉग की बात की गई है, और वहां पर मुझे चलते चलते मैं बॉक्स थोड़ी नहीं ले गया, एक पड़ा हुआ मिल गया मुझे, ए स्टैंड्स फॉर एनी, तो वहां पर उसका सेंस एनी से था, कोई भी डब्बा अब्बा वहां पड़ा होगा जो मुझे मिल गया था। यहां पर उसी स्पेसिफिक डॉग की बात की है जिसको मुझे पकड़ना है, अदरवाइज मैं उसे लाइफ टाइम के लिए खो सकता हूं। ये इंडेफिनेट नहीं है, डेफिनेट है, डेफिनेट आर्टिकल, वो इंडेफिनेट था, अचानक से मुझे रास्ते में मिल गया, इसीलिए इंडेफिनेट आर्टिकल वहां पर। फादर इन हिम कुड नॉट बेयर, इसको बेयर पढ़ते हैं, द कंडीशन ऑफ हिज एलिंग डॉटर। एलिंग अक्सर बीमार के लिए कहा जाता है, सेंटेंस से भी आपको दिख रहा होगा, पर आपको नाउन में पढ़ाए थे, वेरिएशंस आर्टिकल्स में भी मार्क किए, एरर में भी देख लेते हैं कि हर शब्द के बहुत सारे मतलब होते हैं, एक भाषा में कहने का तरीका अलग होता है, उस डिपेंडेंसी पर ग्रामर भी चेंज की जा सकती है। यही आपसे हमेशा कहा, रूल्स और रेगुलेशंस लैंग्वेज में नहीं होते, बेसिक्स के अलावा। फादर नॉर्मली कॉमन नाउन है, आर्टिकल ले सकती है, नहीं भी ले सकती, अगर मेरे पिता की बात है उसे मैं क्या डिफाइन करूं, लेकिन उसके अंदर का पिता जाग उठा जब उसने अपनी बेटी को कराहते हुए देखा। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन के फर्स्ट वीडियो में है, आप पढ़ सकते हैं, इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ नाउन, कि जब माँ की बात करें जिसे हम देख सकते हैं, आंखों से छू सकते हैं, पैर छू लेते हैं, खाना मांग लेते हैं, वो माँ, मदर कॉमन नाउन है, हर किसी की माँ होती है, लेकिन उसके अंदर की ममता की जब बात की जाएगी उस केस में कभी भी आप उसे देख छू नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और उसके अंदर की ममता डेफिनेट भी है, डेफिनेट आर्टिकल रखा जाता है। मुझे म्यूजिक का शौक है भी, जब भी बीट्स बजती हैं मेरे अंदर का सिंगर जाग जाता है, मेरे अंदर का रैपर जाग जाता है, किसी को डांस का शौक है, मेरे अंदर का डांसर जाग जाता है। तो अब मुझे आप देख सकते हैं, मेरे अंदर का सिंगर डांसर कहां से देख सकते हैं? आपको याद होगा जब आप किसी भी चीज को डिस्क्रिप्टिव बनाते हैं डेफिनेट आर्टिकल है। फादर कॉमन नाउन है, आर्टिकल वैसे भी लेगी, लेकिन उसके अंदर का, इन हिम, उसके अंदर का पिता जाग गया। यहां पिता मतलब उस इंसान की बात नहीं हो रही, उसके अंदर की वो भावनाएं जो एक पिता के अंदर होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट सेंस है, फीलिंग्स की बात हो रही है, और उसके अंदर का फुटबॉलर, उसके अंदर का डांसर, उसके अंदर का सिंगर, मेरे अंदर का डांसर फॉर एग्जाम्पल, डेफिनेट है, आर्टिकल मार्क कर दीजिएगा। द फादर इन हिम, द मदर इन हिम, द सिंगर इन हिम, द डांसर इन हिम, द विकेट कीपर इन हिम, द बैट्समैन इन हिम, जो आप कहना चाहें, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आर्टिकल जरूरी हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फादर के तौर पर जिसे हम देख नहीं सकते, यहां पर उस पिता ना होकर उसकी फीलिंग्स की बात की है। ओके, चाइल्ड नीड्स लव, अगर दुनिया की सारी कम्युनिटी की बात की जा रही है तो आप इसे बिना आर्टिकल के छोड़ सकते हैं। एंड अफेक्शन इफ ही इज टू बी, अब यहां उसका डेफिनेट सेंस है, टू बी ब्रॉट अप एज अ हेल्दी यंग मैन। भाई किसी भी बच्चे को अगर आपको हेल्दी बनाना है, जाति की बात नहीं है, तो आप उसे बचपन से ही प्यार अफेक्शन के साथ रखें, अच्छा खाना खिलाइए और वो बड़े होकर हेल्दी रहेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा। तो यहां पर आपको याद होगा, किसी भी बच्चे को, किसी भी इंसान को, किसी भी बॉलर को, किसी भी डांसर को, इंग्लिश में इंडेफिनेट आर्टिकल ए स्टैंड्स फॉर एनी, सो द आंसर विल बी अ चाइल्ड नीड्स लव एंड अफेक्शन, जहां पर ए का मतलब मैं लिख भी दूं एनी से है। आई रिपीट, यहां पर ए का मतलब एनी से है। एनी चाइल्ड नीड्स लव एंड अफेक्शन इफ ही इज टू बी ब्रॉट अप एज अ हेल्दी यंग मैन, मेंटली कैसे भी आप कह दीजिएगा। तो अ चाइल्ड नीड्स टू बी या नीड्स लव एंड अफेक्शन इफ ही इज टू बी ब्रॉट अप एज अ हेल्दी यंग मैन। आई रिपीट, अ चाइल्ड नीड्स,
किसी भी बच्चे को इनिशियली अपने माँ बाप से प्यार की जरूरत तो होती है, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, इंडेफिनिट सेंस में इंडेफिनिट आर्टिकल, और हाँ इंग्लिश में ए और एन, एनी का भी काम कर लेते हैं, दोनों काम आपके हो जाएंगे। क्विक रिकॉल इस स्लाइड का, मील्स के लिए हम ब्रेकफास्ट लंच के साथ आर्टिकल नहीं लगाते, जरूरत पड़ने पर आर्टिकल लगाया जा सकता है, चाहे वो इंडेफिनिट हो या फिर डेफिनेट हो, एज पर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। जाइए उसको ढूंढ कर लाइए, नहीं तो वो चला जाएगा, उसकी बात हो रही है, द डॉग, उसके अंदर का पिता, फीलिंग्स उसके अंदर का है ना, डेफिनेट, पूरी प्रजाति की बात नहीं हो रही, द फादर इन हिम। और किसी भी इंसान को, किसी भी मानव को, किसी भी बच्चे को, इंडेफिनेट ए स्टैंड्स फॉर एनी। ओके, नेक्स्ट वेरिएशन, इट इज सेड दैट Elephant is vindictive by nature and never forgets his enemy. ठीक है, elephant जानवर है, और आपको याद होगा जानवरों की कम्युनिटी चार तरह से दिखाई जा सकती थी। मुझे अपने examples याद हैं, the cow दिखाया जा सकता है, a दिखाया जा सकता है normal तौर पर किसी भी cow के लिए, any cow के लिए, cows दिखाया जा सकता है, भाई गाय तो ऐसी होती हैं, हाथी तो ऐसे ही होते हैं। चौथी लाइन गलत थी, the cows, that was wrong, शायद आपको याद होगा। ये तीन वेरिएशन जानवरों की कम्युनिटी दिखाने के लिए पॉसिबल थे। तो यहां आप कुछ भी लिख लो, यहां पर आप the elephant लिख सकते हैं, जिससे मीनिंग हो जाएगा जो हाथियों की जो प्रजाति होती है, हाथी ऐसे होते हैं, बट सिंगुलर सेंस में। आप इसे एलिफेंट्स कर सकते हैं, बट मत कीजिएगा, बिकॉज फिर मुझे दो करेक्शन करने पड़ेंगे, एलिफेंट्स के लिए इज ना होकर आर आ जाएगा, तो बेहतर है ऐसा लिख देते हैं, एन एलिफेंट। क्यों? किसी भी एलिफेंट की बात की जा रही है ना, तो हाथी तो ऐसे ही होते हैं, ए स्टैंड्स फॉर, एन स्टैंड्स फॉर एनी। एनी एलिफेंट इज विंडिक्टिव बाय नेचर एंड नेवर फॉरगेट्स हिज एनिमी। भाई कोई भी हाथी होगा तो वो अपने एनिमी को कैसे भूल सकता है। तो जानवरों की कम्युनिटी इन चार तरह से दिखाई जाती है, चौथी लाइन गलत है, तीन वेरिएशन आपके सही है। एन एलिफेंट करेक्ट होगा, दी एलिफेंट करेक्ट होगा, एलिफेंट्स लिखेगा तब भी पूरी कम्युनिटी की बात है, किसी स्पेसिफिक हाथी की बात है नहीं, इसीलिए डेफिनेट आर्टिकल का सेंस नहीं होगा। ओके, विजडम ऑफ विक्रमादित्य, विजडम माना एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आर्टिकल नहीं रखती, लेकिन कल के मैच में सचिन की ईमानदारी काबिले तारीफ है, कल के मैच में राहुल द्रविड़ की ईमानदारी, कल के मैच में जो सहवाग की ईमानदारी थी, अब जब आप उसे डिस्क्रिप्टिव बना देते हैं तो उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया गया है, यूनिवर्सली इस्तेमाल नहीं किया गया है, डेफिनेट बनाकर आपकी और उनकी दिखाई गई है। इसलिए विजडम जनरल तौर पर लिखोगे, विजडम इज वेल्थ अगर मैं कहना चाहूं चलेगा, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, लेकिन इनकी विजडम जो थी, इन्होंने कई परेशानियां लोगों की सॉल्व कर दी, ऐसा वैसा, डेफिनेट है, डेफिनेट आर्टिकल लगा दीजिए, द विजडम ऑफ विक्रमादित्य एंड अदर वेरिएशंस। ठीक है, छोटी सी रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप अपनी डाउट्स वहां भी पूछते रहें, और प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, ये सेकंड फ्रैक्शन है, बार बार आपसे मार्क किया। शी लिव्स इन, आगे पढ़ू, फर्स्ट, आपको भी याद होगा मैंने समझाया था, हालांकि मेरा पैटर्न थोड़ा अलग था, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट बॉल, फर्स्ट क्वेश्चन, जो आप कहना चाहेंगे, आर्टिकल नाउन के साथ आते हैं क्योंकि ये डेफिनेट बना देते हैं, सुपरलेटिव सेंस भी है। तो फर्स्ट के पहले मुझे जनरली द जरूर लिखना होगा, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, Who was the first Prime Minister of India, the first President, the first person, जो आप लिखना चाहें। तो अक्सर हम ordinals के साथ जो order दिखाते हैं, first, second, third, definite article the रखते हैं। Quick recall इस slide का, कहा जाता है कि कोई भी हाथी अपने enemy को नहीं छोड़ता, a stands for any, तो a और n लिख दीजिए, the भी लिख सकते हैं, elephants भी कर सकते हैं। इनकी wisdom definite है, उनकी honesty definite है, और ordinals के साथ क्योंकि ये definite दिखाते हैं, पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, चौथी, मार्क कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वेरिएशन, इट इज सेड दैट ही इज अ वाइज मैन, कहा जाता है आप तो बहुत वाइज हैं, ही कैन नॉट, इसको अर मत पढ़िएगा, दिस इज अ, और ये इंग्लिश में एक वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, एक लाइन मैंने आपको कई बार मार्क की होगी, नेक्स्ट टॉपिक वर्ब है, नेक्स्ट वीडियो भी वर्ब का होगा क्योंकि आर्टिकल्स का लास्ट वीडियो है। तो एक बार वापस मार्क कर दूं, मैंने ये पैटर्न्स आपको कभी ना कभी तो कहे होंगे क्योंकि मैं अपनी रेगुलर क्लासेस में हमेशा बोलता हूँ, वर्ब से नाउन बनाने के बहुत पैटर्न्स हैं। एक आपने अभी आर्टिकल्स में देखा, उसके पहले इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन लगाकर उसे नाउन बिहेवियर दे देते हैं। आगे बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं, अगर आप प्रीमियर नहीं देख रहे हैं तो पढ़ाया जा चुका है, वीडियोज चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट है हर चीज की। ing लगाकर हम जेरंड्स बनाते हैं, वो भी नाउन होती है। एक और तरीका होता है उस काम को करवाने वाले इंसान को दिखाने के लिए भी, अक्सर उस वर्ब में er, or जैसे शब्द लगा दिए जाते हैं, मतलब डांस करने वाला डांसर, सिंग करने वाला सिंगर, लीड करने वाला लीडर, मैनेज करने वाला मैनेजर, एक्ट करने वाला एक्टर, ऐसे कई वेरिएशन से जल्दी जज कीजिएगा। उसी से हम er, or लगाकर कुछ बना देते हैं, और मुझे याद है गलती को इंग्लिश में er, or कहा जाता है।
ये सेम डेरिवेटिव है इसी वर्ब का। जी हाँ, इंग्लिश में अ एक वर्ब होती है ई आर आर, जिसका मतलब होता है गलती करना, और जो गलती आपकी है इसी से मेड नाउन है, उसे एरर कहा जाता है। एक इंग्लिश में कहावत है, मैं आपको मार्क करूंगा इन्फिनिटिव्स में, कि टू अ इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। टू अ इज ह्यूमन, गलती करना इंसान की फितरत है, हम लोग परफेक्ट नहीं होते, गलती हम सबसे हो जाती है। टू अ इज ह्यूमन इन्फिनिटिव सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, गलती करना इंसान की फितरत है। तो आपको याद होगा ना, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि वो तो बहुत वाइज है, वो गलती नहीं कर सकता, वेदों में गलती हो सकती है। हालांकि ये सेंटेंस अच्छा नहीं है कॉन्टेक्चुअली, लेकिन मुझे एरर मार्क करनी है तो मैं कर देता हूँ। वेद भी तो हमारे वही कैटेगरी में आते हैं, धार्मिक पुस्तकों के लिए आर्टिकल लगाते हैं, नदियों के लिए, ओशंस के लिए एंड ऑल। सो द भागवत गीता, द रामायण, द महाभारत, सिमिलरली वेद भी तो वही हैं, और कॉमन नाउन है, क्योंकि एक वेद का नाम नहीं लिया, वेद लिखे हैं एस ई एस लगाकर प्लूरल फॉर्म में। तो जनरल तौर पर किसी भी धार्मिक पुस्तक के साथ आर्टिकल प्लेस किया जाता है, क्योंकि उनके कॉन्टेंट और उनकी चीजें भी डेफिनेट होती हैं। समझाया था, आप वीडियो देख सकते हैं। यहां पर वही रीजन है, नदियों के साथ, धार्मिक पुस्तकों के साथ, न्यूज़पेपर्स के साथ जो हम पार्ट फॉर्म करते हैं आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल लगाकर। तो ऐसा कहा जाता है कि वो तो बहुत वाइज है, वो गलती नहीं कर सकता, इवन वेदों में गलती हो सकती है। सेंटेंस मुझे कॉन्टेक्चुअली अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इस तौर पर ठीक है, कोई बात नहीं एरर के लिए। द वेदाज मे अ बट ही कैन नॉट अ, वो गलती नहीं कर सकता, वेदों में गलती हो सकती है। वेद हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, गीता, बाइबल, कुरान, ऐसी चीजों के साथ डेफिनेट आर्टिकल द मार्क करते हैं। The old women placed cattle on fire and come back to the bedroom. ठीक है, the old woman जिसके लिए पैसेज है और वो अपने बेडरूम में गई होगी, तो ये भी पॉसिबल है। मैंने आपको एक पैटर्न पढ़ाया था, हमेशा पढ़ाया है कि अगर स्कूल हम पढ़ने के उद्देश्य से जाते हैं, पढ़ाई के उद्देश्य से, तो आर्टिकल नहीं आएगा। लड़ने, टीसी लेने, उसके पीछे पेड़ों से कुछ तोड़ने के लिए, क्रिकेट खेलने के आसपास के लिए हम आसपास स्कूल जा रहे हैं, तो फिर उसके स्पेसिफिक पर्पज़ के अलावा किसी भी काम के लिए आर्टिकल लगाया जाता है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स में स्कूल, टेम्पल, चर्च, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, फायर भी मार्क किया था आपको। पिछले वीडियो में एक सेंटेंस था कि वो सेट ऑन द फायर लिखा था, जिसको हमने इनकरेक्ट मार्क किया था, सेट ऑन फायर कहा जाता है। यहां वही आंसर है, इस केस में आपको ऑन द फायर लिखना होगा। हाँ, आग कौन सी डेफिनेट है? जी हाँ, जिस चीज को जिसके लिए बनाया गया था, जिस पर्पज से बनाया गया था, उसके बेस पर्पज से अगर आप उसका काम कराते हैं तो आर्टिकल की नीड नहीं है। सेट ऑन फायर, तो घर में आग लगा दी, उस घर की आग को जलाने के लिए इस्तेमाल किया गया, और उस केस में फायर के साथ आर्टिकल नहीं होगा। लेकिन जब हम चाय बनाने के लिए, कॉफी बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए आग पर, यानी कि अपने किसी भी किचन में कहीं पर भी रखते हैं चीजों को, उस वक्त उस आग का उद्देश्य उसे जलाना नहीं होता, उसे पकाने के पर्पज से इस्तेमाल किया जाता है, या किसी भी चीज के, दूध रखा है तो पकाना भी नहीं, उबालने के पर्पज से है। अब जो नीचे आग जल रही है, मैंने तो लकड़ियों से आग जला ली दूध उबालने के लिए, अब वो चीज उसको जलाएगी नहीं, उसको पकाने या उबालने यानी किसी और पर्पज के इस्तेमाल की जाती है। आई होप सो क्लियर होगा। जब फायर अपने बेस उद्देश्य के लिए आग जलाती है चीजों को इस्तेमाल की जाए, तो फिर आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। जेल गए हैं, इसका मतलब क्राइम किया होगा, लेकिन किसी और पर्पज के लिए, पकाने, उबालने जैसी चीजों में जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसे फिर ऑन द फायर कहा जाता है। ठीक है, These days only rich can afford, आपको क्लियर होगा, ज्यादा टाइम ना लगाएं, आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। द रिच, जब हम पूरी कम्युनिटी को दिखाते हैं, तीन तरह से इंसानों का बंटवारा करते हैं, द इंडियंस, अमेरिकन्स, ऑस्ट्रेलियंस, जहां पर आप देश के आधार पर लोगों को बांटते हैं, द हिंदूज, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, जहां पर जाति के हिसाब से बांटा जाता है, और आजकल ये दोनों भी साइड हैं, हम तो अमीर और गरीब के हिसाब से लोगों को बांट लेते हैं। सो द रिच स्टैंड्स फॉर द होल कम्युनिटी, सिमिलरली द पुअर, द यंग, जैसे आप कहना चाहें। सो द रिच, बिकॉज यहां पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है, ना कि सिर्फ एक इंसान की, और रिच तो एडजेक्टिव है, इंसान हो भी नहीं सकता। तो द रिच कैन अफोर्ड द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द कॉस्टली नर्सिंग होम्स एंड हॉस्पिटल्स कमिंग अप ऑल ओवर द कंट्री, ऐसा कहा जाता है ना, अमीर लोग तो भाई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का किराया और ये सब चीजें झेल सकते हैं, गरीब आदमी कहां से झेले। तो यहां पूरी कम्युनिटी है, कम्युनिटीज के लिए डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करें, द रिच, द इंडियंस, द हिंदूज। क्विक रिकॉल, भागवत गीता, बाइबल, कुरान जैसी धार्मिक पुस्तकों के लिए डेफिनेट आर्टिकल लिखा जा सकता है, लिखा जाता है। फायर जब अपने बेस उद्देश्य के लिए काम आए, जलाने के पर्पज से, नो आर्टिकल, लेकिन पकाने, उबालने या किसी अलग पर्पज से इस्तेमाल होगी तो आर्टिकल मार्क कर दीजिएगा। और पूरी कम्युनिटी, द रिच, द यंग, द पुअर। दे अराइव्ड हियर
ऑन 5th of January. सुनने में अच्छा लगता है, एग्जाम में गलती हो जाती है. मैंने आपसे पहले भी कहा था स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में जहां फिलिप्स में आर्टिकल पूछे जाते हैं तो आपको रखना पड़ेगा, फिर आप ओमिशन नहीं कर सकते अगर नीडेड है तो. फिफ्थ भी उसी कैटेगरी में ना, ऑर्डिनल्स का कार्डिनल्स आपको याद होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लास्ट, तो आप इसके साथ आर्टिकल लगा देंगे. ये रटा हुआ आंसर है, माफी, बट मैं थोड़ा समझा लूं. फिफ्थ कौन सा आर्टिकल चाहता है, मैं फिफ्थ के साथ आर्टिकल नहीं भी लगाऊंगा, बाद में पढ़ेंगे एडवर्ब्स के चैप्टर में. बट हाँ, यहां मार्क करूं कि वो 5 तारीख को आ रहा है, ठीक है. अब 5 तारीख हर महीने आती है, कौन सी 5 को, तो मेरे पास वही लाइन है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. हर बार यही लाइन में समझाया क्यों अलग अलग रूल रटते हैं. आगे डिफाइन कर दिया ना, जनवरी की 5 तारीख को, 5 तारीख हर महीने आती है, कॉमन नाउन है, नाम नहीं है किसी का, प्रॉपर नाउन में नहीं है. और जनवरी की 5 तारीख को, फरवरी की 8 तारीख को, दिसंबर की 20 तारीख को, जो भी आप कहना चाहें, ऐसी चीजों में आप उसे डेफिनेट बना चुके हैं ऑफ डिस्क्रिप्शन देकर, और डेफिनेट आर्टिकल तो फिर नीड है. तो चाहे इसे रूल कह लीजिए कि ऑर्डिनल्स के साथ आर्टिकल आता है, या फिर सेंटेंस की डिमांड कह दीजिए, 5 तारीख हर महीने आती है, जनवरी की 5 को आप वहां थे, ऐसा था वैसा था, द 5th of January विल बी प्रिसाइज. Patriot in him forced him to join the army. ठीक है, the army वैसे लिखा जाता है, हमारी respectable terms कहूंगा मैं तो आपसे. अभी अभी एक सेंटेंस था, उसके अंदर का पिता, उसके अंदर का इंसान, उसके अंदर की ममता, उसके अंदर का हैवान कह दीजिए नेगेटिव सेंस में, उसके अंदर का देशभक्त जागा और उसने जाकर आर्मी ज्वाइन कर ली. तो ये देशभक्त मैं देख नहीं सकता, ये फिर से वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो आपकी फीलिंग्स को मार्क करती है, जिसको हम देख सकते, न छू सकते, न टच कर सकते, ETC. सेम वेरिएशंस में हमेशा डेफिनेट आर्टिकल, बिकॉज उसी इंसान के अंदर के देशभक्त को आपने डिफाइन किया है. तो उसके अंदर का, मेरे अंदर का, उसके अंदर का डांसर, सिंगर, जो आप कहना चाहें, द पैट्रियट इन हिम फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन द आर्मी, द फादर इन हिम, जैसे भी 2 स्लाइड पहले एक एग्जाम्पल था. व्हाट नाइस मदर शी इज, वहीं आ जाइए, सच अ मैन, क्वाइट अ ब्यूटिफुल टास्क, क्वाइट अ ब्यूटिफुल गर्ल, क्वाइट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो व्हाट के साथ भी अगर नाउन है तो हमें तो याद है, हम आर्टिकल ही प्लेस करते हैं, व्हाट अ मैच, तो व्हाट अ नाइस मदर, व्हाट अ नाइस वेदर फॉर एग्जांपल, तो व्हाट अ जैसे हमेशा आपने देखा होगा, बिकॉज शी टेक्स केयर ऑफ एवरी स्मॉल नीड ऑफ हर चिल्ड्रन. तो इन जनरल व्हाट अ मैच, व्हाट अ कैच के आधार पर इन शब्दों के साथ नेक्स्ट नाउन के पहले आर्टिकल मार्क किए जाते हैं. ये कॉमन होगा, व्हाट कोई बहुत बड़ी चीज में हम लोग मार्क नहीं करते, ठीक है. उसी पैटर्न को फिर आगे बढ़ाते हैं, कई ऐसी लाइंस जो हम अक्सर नहीं इस्तेमाल करते. ही इज एज वीक एज माई ब्रदर, ही इज, मैं जो शब्द हटा दिए हैं उनको नहीं पढ़ रहा हूं, ही इज एज वीक एज माई ब्रदर, हमने यही पढ़ा है, एज स्मार्ट एज वेल एज इंटेलिजेंट एज ब्यूटिफुल एज ETC. हमेशा इसके बीच में एडजेक्टिव्स या फिर एडवर्ब्स देखें. नाउन अगर आई तो ये भी उसी कहानी का मेंबर है, सच अ मैन, व्हाट अ मैच, टू टफ अ टास्क का, तो फिर नाउन के जस्ट पहले आर्टिकल लिखा जाता है. तो ये आर्टिकल यहां से हट जाएगा, एज वीक अ बॉय, पढ़ाया था उसमें आपको, मार्क किया था, एज फास्ट अ कार, एज स्ट्रॉन्ग अ वुमन, एज फ्लैट अ हाउस, जो आप कहना चाहें. तो जब एज एज सो दैट टू के बीच में अगर नाउन आती है तो वो नाउन जस्ट अपने पहले आर्टिकल फॉलो करती है. वापस रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, इन चीजों को हम अक्सर ना पढ़ते, ना जनरली एग्जाम में पूछी जाती, बट जनरली टू टफ अ टास्क, सो बिग अ हाउस, व्हाट अ मैच, सच अ मैन, क्वाइट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एज वीक अ बॉय, एज फास्ट अ कार, जैसे वेरिएशन मार्क किए जाते हैं. क्विक रिकॉल इस स्लाइड का, 5 तारीख हर महीने आती है, जनवरी की 5 तारीख की बात हो रही है, द 5th of January, उसके अंदर का इंसान जागा, द पैट्रियट, द डांसर, द सिंगर, द लीडर इन हिम, व्हाट अ मैच, व्हाट अ कैच, एंड एज वीक अ बॉय, एज फास्ट अ कार, एंड अदर वेरिएशंस. दे हैव अडॉप्टेड क्रिश्चियनिज्म, इसको जम पढ़ते हैं, एक रिक्वेस्ट यहां पर है, आर्टिकल्स भी पढ़ लेंगे, चीजें और भी काम आती हैं, जिन शब्दों की, बिकॉज माफी बट बुरा ना माने, हमारे ही इंप्रूवमेंट के लिए बोल रहा हूं, कि इंडिया में कई साउंड्स हम लोग गलत बोलते हैं और कई चीजें मेजॉरिटी गलत बोलती है, तो हम भी वही कॉपी कर लेते हैं. जिन शब्दों के आखिर पर SM होता है, प्रोनंसिएशन के आधार पर उनको जम पढ़ा जाता है, इज्म नहीं पढ़ते, मैकेनिज्म ना पढ़ें, मैकेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, ISM, ऑर्गेनिज्म, जम, हाँ जी. तो जितने साउंड ISM के SM पर फिनिश होते हैं, इसमें इज्म ना होकर ZAM, जैसे आप इसे पढ़ें, क्रिश्चियनिज्म, मैकेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, ऐसे जितने भी वर्ड्स आपको मिले ध्यान रखिएगा.
इंग्लिश नाम है, क्रिकेट नाम है, मैथमेटिक्स नाम है, सहवाग नाम है, ये भी तो किसी चीज का नाम है, और प्रॉपर नाम के साथ आर्टिकल फॉलो नहीं करते। शायद फर्स्ट वीडियो में आपको एक वर्ड याद हो, लिटरेचर के साथ से आर्टिकल हटाया था। नोबेल प्राइज में तो प्राइज डेफिनेट हो जाएगा, लेकिन लिटरेचर को आप क्या डिफाइन करेंगे? तो ये भी तो किसी धर्म का ही नाम मान लीजिए, मैं क्या उसमें आर्टिकल मार्क करूं? भाषा के नाम के साथ, किसी भी नाम के साथ आर्टिकल नहीं आता। सो द कृष्णिज्म इज नॉट सपोज टू बी देयर, ड्रॉप एन आर्टिकल, नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल मस्ट बी देयर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इट इज, हाँ एक बार वापस मार्क कर दूं, लाइव नहीं है कि आप मुझसे पूछ नहीं सकते, आप लिख सकते हैं कमेंट्स में, टेलीग्राम पर लिख दीजिएगा, वापस कहूं, क्रिश्चियन कॉमन नाउन है, क्योंकि क्रिश्चियंस बहुत सारे होते हैं, हिंदू बहुत सारे हैं, मुस्लिम बहुत सारे हैं, धर्म का जो नाम है वो बहुत सारे नहीं हो सकते, वो एक है, और जिसकी आइडेंटिटी एक है वो प्रॉपर है। प्रॉपर नाउन्स आर्टिकल फॉलो नहीं करती। इट इज फ्यूटाइल, फ्यूटाइल आप भी पढ़ते होंगे, अमेरिकन इंग्लिश में से फ्यूटल पढ़ा जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में से फ्यूटल, फ्यूटल पढ़ा जाता है। तो मैं जब किसी सॉन्ग में सुना था, अजीब लगा, ये क्या था, जब देखा तो वो फ्यूटाइल लिखा था, बाद में डिक्शनरीज में चेक किया, पता चला फ्यूटल अमेरिकन से फ्यूटल पढ़ते हैं। इट इज फ्यूटल अमेरिकन इंग्लिश, इट्स फ्यूटाइल ब्रिटिश इंग्लिश। टू गिव एन एडवाइस, एक दो एरर्स डाल दी है, फर्स्ट वीडियो में थी अ बैड न्यूज, न्यूज अनकाउंटेबल, इंडेफिनेट आर्टिकल नहीं लगा सकते, एक छोटी सी लाइन याद है, एस सी एन, These indefinite articles A or N are used before singular countable nouns. तो ये noun तो है लेकिन countable नहीं है, advice नहीं गिनी जाती, आपको याद होगा। Noun के videos refer कर लीजिए, countable nouns, uncountable noun detail में पढ़ाया, और uncountables के साथ में article नहीं लिखा जाता। तो या तो give advice कर लो, और आप चाहें तो वही a piece of जैसे term से काम चला सकते हैं, a piece of information, a piece of news, a piece of paper, a piece of advice, etc. Okay. She is both a virtuous and a beautiful daughter. बत्ती जली, अभी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जनरली एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है तो एक ही टीवी तो है, एक इंसान की बात करते हैं तो आर्टिकल एक बार लिखा जाता है, दो बार मार्क नहीं किया जाता, और सिर्फ एक इंसान का जिक्र है, शी इज बोथ दिस एंड दैट, और एक इंसान के लिए दो बार आर्टिकल मार्क नहीं किए जाते। तो वी हैव टू से शी इज बोथ अ वर्चुअस एंड ब्यूटीफुल डॉटर, आर्टिकल डॉटर के पास होगा, दूसरे आर्टिकल के लिए नाउन है ही नहीं, तो अ वर्चुअस एंड ब्यूटीफुल डॉटर, एक इंसान आर्टिकल एक बार जनरली, और दो इंसान आर्टिकल अक्सर दो को मार्क करते हैं। नेक्स्ट, इट इज आवर्स डिस्टेंस फ्रॉम हियर, आपको नाउन में पढ़ाया था कि अक्सर हम लोग टाइम, वेट, लेंथ, मेजरमेंट या किसी भी ऐसी चीज के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। आप नाउन की वीडियो देखिए, नहीं तो फेसबुक की एक लाइन रिकॉल कर देता हूं, टुडेज बर्थडेज, टुडेज बर्थडेज, ऐसा नहीं है कि नॉन लिविंग्स के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं आती, मैंने डिटेल में पढ़ाया अपोस्ट्रोफी एस नाउन के चैप्टर में सॉरी, तो अपोस्ट्रोफी जायज है, इसको कोई गलत ना समझे, आवर में अपोस्ट्रोफी नहीं लगती। टाइम के साथ सारे वो हक होते हैं जो इंसानों के साथ होते हैं, पर्सोनिफिकेशन, कभी वीडियो डालूंगा बाद में, वहां आप देख लीजिएगा, डिटेल पढ़ा दिया है आपको। और कितनी दूरी पर है, तो मेन चीज तो यहां पर ये डिस्टेंस, एक घंटे की दूरी पर है। इसके लिए एक छोटा सा मजाक, इंडिया में हम लोग कई बार करते हैं ना ऐसा कि उसका घर तुम्हारे घर से कितनी दूर है, जस्ट ह्यूमर के लिए बोल रहा हूं, तो हम लोग डिस्टेंस ना होकर टाइम से ही बता दें, आधा घंटे की रास्ता है यहां से दिल्ली, क्या 4 घंटे की रास्ता है, हम डिस्टेंस को भी टाइम से मेजर कर लेते हैं, ये वही है। इट इज एन आवर्स डिस्टेंस फ्रॉम हियर, यहां से क्या है, एक घंटे की दूरी है, एक घंटे की दूरी, अपोस्ट्रोफी एस पोजिशन दिखाने का काम करता है, और आवर के लिए आपको याद होगा एच ओ यू आर, एच साइलेंट जाता है, इसीलिए इसको ड्रॉप करने के बाद इसका साउंड वावल साउंड आता है, और वावल्स के साथ इंडेफिनेट आर्टिकल एन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्विक रिकॉल इस स्लाइड का, दे हैव अडॉप्टेड, कोई भी नाम है किसी भी चीज का, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता, एडवाइस अनकाउंटेबल है, किसी भी इंडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल ना करें, डिस्क्रिप्टिव है नहीं तो दी एडवाइस लगा देते, एक इंसान के लिए संभवतः दो बार आर्टिकल नहीं आता, फर्दर डिटेल्स एसवीए में देखिएगा, सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट, और हां आवर में एच साइलेंट है, इसीलिए ड्रॉप करके वाउल साउंड के लिए इंडेफिनेट आर्टिकल एन का इस्तेमाल कीजिए। He has been sent to the prison. आगे पढ़ूं, several times but had not shown in his conduct. आगे जरूरत भी नहीं है। जेल कह लो चाहे prison कह लो, बात तो बराबर है। और जब किसी को जेल हो गई या फिर सजा हो गई उसी काम के लिए जिसकी वजह से वो ऐसा था वैसा था, ठीक है, उस केस में आपको याद होगा, हाँ मैंने एक सेकंड का पॉज लिया, मुझे लगा गलत तो नहीं लिख लिया मैंने ये, क्योंकि लिखा है मैं एक्चुअली समझ नहीं पाया था सेंटेंस, ऐसा थोड़ी है मैं डायरेक्ट सिर्फ रट कर आया हूँ, एरर्स मार्क करनी है, सेंटेंस की थीम भी तो देखनी है,
मुझे लगा आपसे बोलते वक्त यार मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, आगे लिखा है नॉट शोन एनी साइन ऑफ मिसकंडक्ट। मुझे ऐसा लगा उसने कोई गलती नहीं की है फिर भी उसे जेल भेज दिया है, तो मुझे लगा कहीं यहाँ जरूरत ही नहीं, लेकिन वो सही लिखा है उसने इम्प्रूवमेंट नहीं किया, उसको जेल हो गई फिर भी उसने अभी तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया अपनी आदतों में, तो वो नेगेटिव सेंस है, सॉरी। सो ही हैज बीन सेंट टू प्रिजन, प्रिजन जिस काम में आती है उसी काम में आपने उसे लिया है, इसके साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। सेट ऑन फायर, जेल, हॉस्पिटल, टेम्पल, चर्च, यूनिवर्सिटी, इनके साथ इनके ऑब्वियस पर्पज के लिए आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। ही वॉज वॉचिंग टेलीविजन, मैं क्या आपसे माफ करूं, आपको भी पता होगा लिसनिंग टू म्यूजिक या लिसन टू म्यूजिक फॉर एग्जाम्पल या वॉच टेलीविजन जनरली लिखे जाते हैं, कौन सा कहाँ टेलीविजन, टीवी का काम उसी पर्पज से है, आप उसे बिना आर्टिकल के लिखिए, टीवी देखने के काम आती है, खाने पीने के काम नहीं आती। हाँ, स्पेसिफिक सेंटेंस के नीड पर द टेलीविजन भी हो सकता है जैसे इन्वेंशंस के साथ करते हैं और कई अदर वेरिएशंस में, बट जनरली जब टीवी का भी वही इस्तेमाल है, क्या कर रहे हो, वॉचिंग टेलीविजन, वॉचिंग टेलीविजन जनरली कहा जाता है, तो टीवी का वही इस्तेमाल है देखने के पर्पज से, आप उसी फॉर्म में उसके साथ आर्टिकल इस्तेमाल मत कीजिए। तो ये तो कॉमन लाइन है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वॉचिंग टेलीविजन, ड्रॉप द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। शी गेव मी, ये फिर से कैपिटल हो गया खुद से, माफ कीजिएगा स्मॉल होगा ये, शी गेव मी 1 रुपी नोट। थोड़ा सा डाउट आप में से कई लोगों को हो सकती है, मैंने पढ़ाया था यूज ऑफ नाउन्स एज एडजेक्टिव्स, एक बहुत अच्छा वीडियो है, आप चाहें तो देख लीजिएगा, प्रोनाउन के चैप्टर के सेकंड और थर्ड वीडियो है, यूज ऑफ नाउन एज एडजेक्टिव, यूज ऑफ प्रोनाउन एज एडजेक्टिव, ग्रामर क्या होती है आपको वहां पर मिल जाएगी, रटने वाली चीजों तो हम बहुत जानते हैं। तो आप में से कई लोगों को डाउट होगी, सर वन मतलब एक, अ मतलब एक, वन लिखा है तो अ क्यों लगा रहे हैं, तो मैंने डिटेल में वहां समझाया था आपको, ऐसे रूल याद होगा ना, 1 रुपीज ना होकर 10 रुपी नोट होता है, ये वही लाइन है, आर्टिकल यहां पर नोट के साथ है और 1 रुपी साथ में हाइफनेटेड है, बीच में फेविक्विक आपको दिख रहा होगा लगा हुआ, 1 रुपी यानी 1 रुपए का नोट है मेरे पास या फिर 1 रुपए के बहुत सारे नोट हैं। तो यहां पर एडजेक्टिव्स में आपको पढ़ाया था क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए हम लोग आर्टिकल इस्तेमाल एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करते हैं, भैया 2 रेड पेन देना जरा, तो आपको याद होगा पेन नाउन है जिसकी क्वालिटी रेड से आ जाएगी और जिसकी क्वांटिटी 2 से आ जाएगी, कितने थे 2, क्वांटिटी कैसे थे लाल पीले हरे, क्वालिटी में आ सकता है। तो मेरे पास देखता हूं यार नोट पड़े होंगे शायद, यार एक ही नोट है तो एक नोट है अ नोट, आर्टिकल नोट के साथ है, वही वन मीनिंग रखने के लिए, लेकिन यार ये तो 10 रुपए का है, ये तो 20 रुपए का है, 50 रुपए का है, 1 रुपए का है, तो 1 रुपी के साथ है टोटल एडजेक्टिव और आर्टिकल नोट के साथ है उसकी उसका नंबर क्वांटिटी दिखाने के लिए, मेरे पास 1 10 का नोट पड़ा है, मेरे पास 1 100 का नोट होगा, 1 1 रुपए का नोट है, 1 रुपी कितने 1 नोट है मेरे पास, आर्टिकल फॉर द नोट 1 रुपी अपने आप में एडजेक्टिव है। दे फेल्ड टू अराइव एट unanimous decision, तो ध्यान रखिएगा आपको आर्टिकल दिख रहा होगा किसके साथ जाएगा, डिसीजन के साथ आ जाएगा, यार वो लोग कभी उनकी सहमति हुई नहीं पाती। यूनानिमस मैंने आपको नाउन में ही पढ़ाया था, मेरा शायद पहला एग्जाम्पल रहा होगा कलेक्टिव नाउन के लिए, द ज्यूरी मेड देयर डिसीजन यूनानिमसली, यूनानिमस एडजेक्टिव है, यूनानिमसली एडवर्ब हो जाती है, इनका इस्तेमाल करते हैं सर्वसहमति दिखाने के लिए, जब सबका एक ही ओपिनियन होता है उस केस में यूनानिमस कहा जाता है, जब सबकी सहमति एक है, सबका मत एक है, यूनानिमस है सब लोग एक, जैसे कोर्ट ज्यूरी है या फिर आपके इंटरव्यूज के सेशंस होते हैं, 5 लोग भले ही हैं लेकिन सबका आंसर हमेशा एक ही होता है, सबके ओपिनियन सेम रहते हैं, इससे यूनानिमस कहा जाता है। आप हिंदी से ही जज कर लो, साउंड है यूनानिमस, ठीक है, यूनानिमस, और य हिंदी के भी वावल्स में आता है, इंग्लिश के भी वावल्स में ही आता है, और वावल साउंड्स के साथ हम लोग आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं। तो दे फेल टू गिव अ यूनानिमस डिसीजन, पता होगा आपको, नहीं तो ध्यान रखिएगा। हाँ, रटकर ना चले, मैं तो पूरे आर्टिकल पढ़ा चुका हूं कि ए ई आई ओ यू के साथ आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था, इनके लिए आर्टिकल्स नहीं आते, इनके साउंड के लिए आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, और कई बार इंग्लिश में यू का साउंड य होकर वावल्स में ना होकर कॉन्सोनेंट्स में आ जाता है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ इंडेफिनेट आर्टिकल अ लिखा जाता है, ना कि डेफिनेट आर्टिकल द मार्क किया जाता है, ठीक है। अ यूनानिमस डिसीजन, आर्टिकल डिसीजन के साथ है, नंबर उसका दिखा पाएगा, लेकिन जब मुंह से बोलेंगे भाषा को तो अगले शब्द के साउंड के हिसाब से ही प्लेस किया जाएगा। एक क्विक रिकॉल स्लाइड का, प्रिजन, जेल, स्कूल, चर्च, कई बार दिख लिया, शायद याद हो गया होगा, मैं इसीलिए बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, इनके साथ जनरली आर्टिकल प्लेस नहीं किया जाता, इनके ऑब्वियस पर्पज के लिए, टीवी भी उसी में है, टीवी देखने के काम आती है, वॉचिंग टेलीविजन, एक नोट पड़ा है मेरे पास, 10 का 20 का 50 का बात की बात है, और अ यूनानिमस डिसीजन मस्ट बी देयर। ओके, इट वॉज अ सो हॉट डे
that it was impossible to go out shopping. ये आप पढ़ेंगे verbs में, तब तक verbal ध्यान रखिएगा. Go shopping होता है ना, हम हिंदी वाला ना बना दें, कहाँ जा रहे हो? Shopping करने के लिए जा रहा हूँ. Go for a walk तो possible है, लेकिन go for shopping ना होकर go shopping होता है. और continuous tense में she is going shopping. सर दो दो ing साथ में, detail आप वहाँ पढ़ें. हाल फिलहाल ध्यान रखना, go shopping, go for shopping English में नहीं होता, आप में से कई लोग जानते होंगे. It was a so hot day. कहानी वहीं आ गई. अगर यहां very होता so की जगह पर तो ये no error था. Day, a hot day, a very hot day. Very को कोई शिकायत नहीं है. कही है, किसी भी adverb को शिकायत नहीं है. फिर इन सात शब्दों को छोड़कर, to, so, as, how, quite, what और such, इनके साथ हमेशा different pattern चलते हैं. तो थोड़ी देर पहले देखा था, so big a house, too tough a task. What a match, such a man, quite an interesting question. So के साथ adjective के बाद अगर noun भी आती है, so beautiful a girl, so sweet a person, जो आप कहना चाहें. तो articles हमेशा आपके बीच में लिखे जाते हैं. So it will be so hot a day. Indefinite article में पढ़ाया था, अभी भी कई example दे दिए. One more please ध्यान रखिएगा, as weak a person, as fast a car and some other variations like that. कुछ प्रॉवर्ब्स हैं इंग्लिश की, जैसे मैंने आपको दिखाया था, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन आपको बोला होगा, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे बोला होगा. छोटे एग्जाम्स में प्रॉवर्ब्स को एरर में बनाकर पूछ लेते हैं, इसी बहाने लिखती है, शायद हम ध्यान रखें. अ बर्ड स्टैंड्स फॉर वन, यहां पर एनी के लिए नहीं, वन अपने बेस मीनिंग के लिए, एक. अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, ठीक है. कहावत के तौर पर आपको पता होगा, लंबे लंबे सपने देखने से कि बाद में ऐसा करेंगे, बाद में वैसा करेंगे, उससे अच्छा अभी जो है उस चीज को रियलिटी मानिए. आने वाली चीजें हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, मीनिंग आप सब जानते होंगे, मैंने वही पर्पस मार्क किया. अगर कोई चीज आपके हाथ में है, दैट विल बी बेटर, यानी जो अभी मेरे पास है, ना कि इमेजिनेशन के तौर पर कि अभी अगर ये नौकरी छोड़ देता हूं बाद में बड़ी नौकरी लग जाएगी, फिर सीधे आईएएस बनेंगे, ये छोटी मोटी नौकरी कौन करता है, ईश्वर ना करे, लेकिन कई बार वो नहीं मिलती. तो उससे अच्छा जो है अभी आपके पास, बी रियल, उसको रियलिटी से रखिए. जो आएगा वो अलग होगा, उसके चक्कर में उसको प्रेफर ना करें. अ बर्ड इज इन हैंड या इन द हैंड सॉरी इज वर्थ, बेहतर है आपके हाथ में अगर एक चिड़िया है, मैं तो वही मीनिंग बोल रहा हूं आपको, वो झाड़ियों में दिखने वाली दो चिड़ियों से बेहतर है. एटलीस्ट आपके पास कुछ है, वो उड़ गई तो आप क्या करेंगे. अ बर्ड प्रोवर्ब है, मैं और आप चेंज नहीं कर सकते. इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश. ओके भाई साहब प्लीज. द रेडियो इज मींस ऑफ कम्युनिकेशन, एक अच्छी टर्म के तौर पर मींस कहा जाता है साधन को. पता होगा हमें मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मींस ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसे कई तौर पर हम यातायात के साधन या दूरसंचार के साधन कहते हैं. तो भले ही इसमें एसीएस लगा है, लेकिन आपको पता होगा मींस एक सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह से बिहेव कर लेता है, और ये एक चीज को भी दिखा सकता है, यातायात का एक साधन भी हो सकता है. तो भले ही इसके साथ एसीएस लगा है, बट फिर भी इंडेफिनिट आर्टिकल अ होगा, क्योंकि इसके बाद वाले सेंस के अकॉर्डिंग ये एक चीज को मार्क करेगा. आपको नाउन में पढ़ाया था, कई ऐसे शब्द होते हैं जिनके आखिर में एसीएस होता है, लेकिन वो किसी सिंगुलर आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं, तो उनके साथ आर्टिकल मार्क किए जा सकते हैं. So this is the radio is a means of communication. बहुत सारे जो दूरसंचार के जो साधन हैं, उनमें से एक रेडियो, एक टीवी, एक मोबाइल फोन, और आजकल बहुत सारे वेरिएंसेस रखे जा सकते हैं. अ मींस ऑफ कम्युनिकेशन, अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मींस सिंगुलर वेरिएशन भी रखता है. हायर यू गो कूलर इट बिकम्स, आपके पास बहुत क्लियर आंसर होगा. ये क्या सर, सबको ही पता है कंपैरेटिव फॉर्म है ना, इसमें द द वाली स्ट्रक्चर लगती है. और आप जो मुझसे जुड़े हैं उन लोगों को पता होगा मैं रूल्स इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता, होती भी नहीं पढ़ाऊं कहां से. तो मैंने इस पूरी चीज का जिक्र आर्टिकल्स के चैप्टर में किया ही नहीं है. द हायर यू गो द कूलर इट बिकम्स, सर आपने वो नहीं पढ़ाया, कॉमेंट्स में भी किसी ने लिखा था. देखिए हमेशा की रिक्वेस्ट है, कोई नया हो तो माफ कीजिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बिना फॉर्मेलिटी के ही पढ़ाऊंगा, तो मैं गलत सलत नहीं पढ़ा सकता, माफी इन शब्दों के लिए. मैक्सिमम बुक्स में हमें ये लिखा मिल जाता है, मैं भी पढ़ा सकता था, मैंने नहीं पढ़ाया. जब इसका चैप्टर आएगा तब इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि ये द आर्टिकल नहीं है. जो लोग मुझसे पढ़े उनको पता होगा ये क्या है, ये एडवर्ब है. जी हाँ, आप डिक्शनरी चेक कीजिए, एडवर्ब है, आर्टिकल है ही नहीं. तो मैं आर्टिकल पढ़ा रहा हूं, एडवर्ब थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं, इसीलिए मैंने इस स्ट्रक्चर का जिक्र नहीं किया. फिर एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि माइट भी आपके एग्जाम में आ जाए, तो आप ध्यान रखें. इस वीडियो तक मैंने एडवर्ब नहीं बनाई है, अगर आप बाद में देख रहे हैं चैप्टर एडवर्ब्स के में चेक कर लीजिएगा. द हायर यू गो, जितना ऊपर जाते हैं उतना ही ठंडा हो जाता है.
जितनी महंगी गाड़ी होगी उतना ही महंगा उसका मेंटेनेंस होगा, जितनी मेहनत करोगे उतना बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं सिर्फ इतना ही कह देता हूं, हाल फिलहाल गलत शब्द नहीं बोल पाऊंगा, आर्टिकल है, इस पूरे सेंटेंस में कोई आर्टिकल नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है। लेकिन हाँ, जितना उतना के अर्थ में मान लीजिए, ये किसी एक स्टूडेंट ने लिखा था, आपको याद होगा जिनसे बोल रहा हूं, अभी प्रीमियर में होंगे आप, द हायर द कूलर द मोर द मोर। अक्सर हम लोग कंपैरेटिव सेंस में भी ये टी एच ई वाली स्ट्रक्चर मार्क करते हैं। तो हाल फिलहाल आप वही ले जाइए, एक जनरल लाइन मैंने डिग्रीज में पढ़ाई थी कि एक स्टेटमेंट एक ही डिग्री में चलता है, दो डिग्रीज में नहीं लिखा जाता। द हायर यू गो द कूलर इट बिकम्स, द मोर ऐसा द मोर वैसा, जितनी मेहनत होगी उतना अच्छा रिजल्ट होगा, जितना सेव कर लेंगे उतनी आपकी इनकम बढ़ जाएगी। ये चीजें इस तरह के वेरिएशंस में आप हमेशा द कंपैरेटिव डिग्री मार्क करते हैं, बट ये एडवर्ब है, मैं आपको एडवर्ब में डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एवरेस्ट इज ब्लैंक, देखिए ये सुपरलेटिव दिख रहा है मुझे, तो अक्सर आर्टिकल आएगा और उसके आगे नाउन भी है तो जरूर आएगा, तो पहले मैं ये फिल करूं, द हाइएस्ट पीक, द फर्स्ट पर्सन, द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल, द स्मार्टेस्ट मैन, सुपरलेटिव्स के बाद नाउन है तो डेफिनेट आर्टिकल आ जाता है, और इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ऐसा ऐसा होता, जो भी है आर्टिकल तो मैंने डिटेल में पढ़ाया था, शब्दों से नहीं मीनिंग के अनुसार। हिमालय पर्वत श्रृंखला है, कॉमन फॉर्मुलेशन है, इसीलिए हिमालय तो छोड़िए, हिमालयाज लिखा जाता है और उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द भी इस्तेमाल करते हैं, द हिमालयाज इज अ करेक्ट पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। बट वही मार्क किया था, किसी भी चीज के नहम के साथ आर्टिकल नहीं आता, और जितना मुझे पता है, जीएस मुझे नहीं आती माफ कीजिएगा, एवरेस्ट भी किसी चोटी का नाम है और नाम के साथ आर्टिकल प्लेस नहीं किया जाता, तो नो आर्टिकल यहां पर कोई ए एन और द दी लिखने की कोशिश ना करे, नाम के साथ आर्टिकल प्लेस नहीं किया जाता, डिटेल में आपको समझा दिया है। सो दी एवरेस्ट, द एवरेस्ट, ए एवरेस्ट, एन एवरेस्ट विल नॉट बी देयर, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ओके, सुपरलेटिव सेंस में आप आर्टिकल लगा सकते हैं, इन द वर्ल्ड होता ही है, लेकिन एवरेस्ट नाम है। हाँ, अगर ये हिमालयाज होता तो फिर पॉसिबल था, द हिमालयाज आर ऐसा ऐसा, जो आपको कहना है, आर भी आता है, प्लीज ध्यान रखिएगा। क्विक रिकॉल स्लाइड का, सो बिग अ हाउस सो हॉट अ डे, इन स्ट्रक्चर्स को प्लीज ध्यान रखें, डिस्टिंक्शन है। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, हाथ में अगर कोई चीज है, यानी अभी जो मेरे पास है वो रियलिटी उस इमेजिनेशन से बेहतर है। द रेडियो इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक यातायात के साधन हो सकता है। द हायर द कूलर द बेटर द स्मार्टर, और एवरेस्ट नाम है, नो आर्टिकल, सुपरलेटिव्स के साथ आ जाता है, इन द वर्ल्ड पॉसिबिलिटी है। शी इज नेक्स्ट बेटर सिंगर देन यू, तो अगर ये सिंगर हटा दूं यहां से तो शी इज बेटर देन यू, कोई शिकायत मुझे नहीं होगी, शी इज बेटर देन यू सही है। बट मैंने आपको पढ़ाया था ये बात बोलकर के, मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा था ये बात, ऐसे पढ़ा देता था कि देखो कंपैरेटिव में आर्टिकल नहीं आते, सब जानते हैं, यू आर बेटर देन आई फॉर्मल इंग्लिश, ओके, या बेटर देन मी इनफॉर्मल आपकी बोलचाल की भाषा में। दो में से एक की बात करते हैं तो डेफिनेट आर्टिकल द लगाया जाता है। ऑफ द टू सिस्टर्स शी इज द मोर ब्यूटिफुल, ऑफ द टू सिटीज दिस इज द बिगर, ऑफ द टू पेंस दिस इज द चीपर, वो भी पढ़ाया था, और ये चीज मैं फ्री में मार्क कर देता यार, ये कभी एरर में नहीं आती। तो जब पढ़ाते वक्त मैंने आपको कहा था, वापस कह दूं, SSC स्टेनोग्राफर 2016 में ऐसे पूछा, बाद में कई जगह रिपीट हुआ, उससे पहले भी आया होगा मुझे नहीं पता, कि जब आप किसी भी कंपैरेटिव डिग्री को लिखते हैं तो अक्सर नाउन नहीं लिखते, यू आर बेटर देन आई, यू आर स्मार्टर देन आई, शी इज मोर ब्यूटिफुल देन यू, ऐसा वैसा, अगर एक नाउन दे दोगे तो आर्टिकल किसके साथ आते हैं, नाउन के साथ, उस डिग्री के साथ, एडजेक्टिव के साथ क्या आर्टिकल आएगा, तो शी इज अ बेटर सिंगर देन यू, ही इज अ बेटर डांसर, आर्टिकल बेटर के साथ नहीं है, आर्टिकल अभी भी सिंगर के साथ है, ही इज अ बेटर डांसर देन यू, शी इज अ बेटर म्यूजिशियन देन यू, ऐसे एग्जाम्पल्स भी सही होते हैं, क्योंकि आर्टिकल बेटर के साथ ना होकर सिंगर एक कॉमन नाउन के साथ है, ठीक है, प्लीज ध्यान रखिएगा, पढ़ाया था। वी शुड वर्क फॉर ऑफ ऐसा ऐसा, अब आप रटेना फिर बात कह दूं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में प्राइम मिनिस्टर डेफिनेट है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में स्टैच्यू डेफिनेट है, तो ऑफ वाली स्ट्रक्चर्स अक्सर डिफाइन करने का काम करती है, पहले इसको डिफाइन कर देते हैं, द ऑनेस्टी ऑफ राहुल द्रविड, द विजडम ऑफ विक्रमादित्य, या ऐसे किसी भी एग्जाम्पल के तौर पर। लेकिन हाँ, ह्यूमैनिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, किसी एक इंसान की ह्यूमैनिटी यानी मानवता की बात नहीं की गई है, और जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरल सेंस में आती हैं तब इनके साथ आर्टिकल नहीं आता, लेकिन हाँ अगर मेरी मानवता आपकी इंसानियत की बात होती तो यहां भी आर्टिकल आ जाता, जिसके बाद कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है।
सो वी शुड वर्क फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी. हमें मेरे आपके भले या किसी इंडिविजुअल से अच्छा कि इंसानियत के नाम पर काम करेंगे सबका भला जरूर होगा. एक अच्छी लाइन है, वी शुड वर्क फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी एब्स्ट्रैक्ट हटा दीजिए, आर्टिकल नो आर्टिकल, लेकिन सेक ऑफ दिस सेक ऑफ दैट, इसके लिए उसके लिए आगे बताकर आपने उसे डिस्क्राइब किया है, आर्टिकल जरूर प्लेस कीजिएगा. ओके, ही स्पोक द ट्रूथ. आपको दोनों लाइन याद होगी. टेल अ लाई, एक नई लाइन में एक्सप्लेन करना चाहूं, और स्पीक द ट्रूथ होता है. इन द कोट कोई भी स्पेसिफिक रही होगी, ये अक्सर प्लेस दिखाती हैं, एडवर्ब्स होती हैं, बहुत जल्द डिस्कस करेंगे इनको. टेल अ लाई, कोई इंसान जिसने ग्रामर बनाई, जिन लोगों ने बनाई, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट रहे होंगे, हम लोग कहीं स्टैंड नहीं करते. लेकिन लाई के साथ इंडेफिनेट आर्टिकल और ट्रूथ के साथ डेफिनेट आर्टिकल, सोचिए उसकी सोच कितनी अच्छी रही होगी जिसने ये ऐसे वेरिएशंस बनाए. जब हम झूठ बोलते हैं तो कुछ भी हो सकता है, रियलिटी के अलग कुछ भी हो सकता है. इंडेफिनेट है, डेफिनेट नहीं है. ये शर्ट कितने की खरीदी? अब मुझे पता है 250 रुपए की है, 1200 की लेकर आया था, कभी 1200 बोले, कभी 1500 बोल दिए, कभी 1800 निकल गए. गलत तो झूठ तो झूठ ही होता है. और आपको बताया था ए स्टैंड्स फॉर एनी, इंडेफिनेट आर्टिकल है, तो इसीलिए झूठ कुछ भी हो सकता है अपार्ट फ्रॉम द रियलिटी. रियलिटी के अलावा जो बोलोगे सो झूठ है. 250 की चीज को 1200, 1000, 2000 कहना सब झूठ है, कितने भी हो सकते हैं. इंडेफिनेट आर्टिकल से रखा, टेल अ लाई. लेकिन जो सच है वो डेफिनेट है और एक ही होगा. कितने की भाई? 250 की चीज थी ये, तो वो फिक्स्ड है. और डेफिनेट चीजों के साथ डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट चीजों के साथ इंडेफिनेट आर्टिकल ही लिखा जाता है. इसीलिए टेल अ लाई पॉसिबल है, इंडेफिनेट आर्टिकल, एंड स्पीक द ट्रुथ कहा जाता है. टेल द ट्रुथ के तौर पर हमेशा डेफिनेट आर्टिकल रखता है. ट्रुथ इंडेफिनेट नहीं हो सकता, सच्चाई निश्चित होगी, झूठ तो कुछ भी हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट वेरिएशन. They came here in March last year. अब आप सोच सकते हैं यहाँ द लगा दो, अ तो नहीं लगाओगे शायद, ईयर के लिए आ जाएगा. मैं एडवर्ब्स में पढ़ाऊंगा, हाल फिलहाल माफी, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड. आप जनरल अपने वेरिएशंस रीडिंग स्किल्स वाले जज कर लो, याद है क्या लिखते हैं. पिछले हफ्ते हम लोग वहां गए थे, अगले हफ्ते हम लोग वहां जा रहे हैं. लास्ट ईयर, लास्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक. कभी कहा द लास्ट ईयर वी वेंट टू दिल्ली, द लास्ट वीक वी वेंट टू दिल्ली, या द नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू दिल्ली, या फिर द नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू दिल्ली? ना, नेक्स्ट ईयर हम लोग वहां जाएंगे. अभी लास्ट वीक की बात है, अभी लास्ट ईयर ऐसा ऐसा हुआ था. ये एडवर्ब्स होती हैं, कैसे क्या बाद में थोड़े से डिस्टिंक्शन और एडवांस्ड स्टेटमेंट्स आपके यहां मार्क कर दिए हैं. तो लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट ऐसी चीजों के साथ, और नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर ऐसी चीजों के साथ आर्टिकल्स नहीं आते, क्योंकि ये नाउन ही नहीं है. आपको ईयर नाउन दिख रही होगी, एडवर्ब है, या तो एडवर्ब की प्लेलिस्ट में देख लीजिए, और अगर प्रीमियर में आप लोग हैं तो हम एडवर्ब्स बहुत जल्द पढ़ेंगे. ठीक है, एम एल ए रिप्रेजेंट्स अ कॉन्स्टिट्यूएंसी. हाँ जी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो कुछ ना कुछ तो आप रिप्रेजेंट करेंगे, वहीं के मेंबर हैं, जरूर रिप्रेजेंट करेंगे. इसके दो आंसर हैं. अगर आप यहां इंडेफिनेट सेंस रखते हैं, यार कोई भी, जैसे याद है कोई भी गाय खरीदोगे दूध तो देगी, तो अ काउ कही जा सकती है, और गाय तो दूध देती है, द काउ भी कही जा सकती है. तो यहां दोनों आंसर हैं. आप यहां एन भी लगा सकते हैं, साउंड का ध्यान रखें, बस अ नहीं आएगा. देखने में भले ही वो एम है, एक लेटर है, लेकिन साउंड बोलते वक्त म का ना देकर ए म देता है. तो वेरी फर्स्ट साउंड जो आपका है वो वावल साउंड है. वावल्स के साथ हमेशा इंडेफिनेट आर्टिकल एन लिखा जाता है. जैसे भी किसी स्लाइड में था एम ए, एम एल ए, एस पी, एस आई, साउंड वावल है, वावल साउंड्स के साथ एन लिखा जाता है. दोनों मीनिंग है. जो एम एल ए होता है, द दी आएगा साउंड के आधार पर, हम सॉरी, दी एम एल ए रिप्रेजेंट्स अ कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो जो एम एल ए होता है वो ये होता है. ये एम एल ए क्या है? कोई भी एम एल ए होगा तो वो वही रिप्रेजेंट करेगा ना. कोई भी प्रधानमंत्री होगा तो वो अपने देश की ही तो रक्षा करेगा, अपने देश के लिए काम करेगा. उस केस में जब आप जनरल सेंस दे दें, ए स्टैंड्स फॉर एनी, तो एन भी आ सकता है, और जब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो द भी लिखा जा सकता है. बोथ वेरिएशंस आर पॉसिबल. क्विक रिकॉल इस स्लाइड का, ठीक है. शी इज अ बेटर सिंगर देन यू, शी इज बेटर देन यू, फाइन. She is the better of the two sisters. दो में से एक, definite article. And she is a better singer than you. आपसे तो बढ़िया ही है. Better हटा दीजिए, article हटा दीजिए. Singer के लिए लिखेंगे तो article possible है. We should work for the sake of. आगे description है तो वो चीज तो definite है. Humanity abstract form है, countable है नहीं, तो आप गिन नहीं सकते. Definite बनाई नहीं है, तो no article required. For the sake of humanity. Tell a lie, speak the truth. Both variations are there. किसी भी कोर्ट में हो सकता है. In the court, in the morning, in the evening, in the garden, in the market, जो आप कहना चाहें. They came here last year. अभी last year ही तो आए थे. अभी last week की तो बात है यार. Adverb है, इसलिए article नहीं है. Adverb में पढ़ें.
और एन एमएलए कोई भी एमएलए रिप्रेजेंट कर सकता है, और जो एमएलए होता है वो ये रिप्रेजेंट करता है, दी एमएलए इज ऑल्सो पॉसिबल। नेक्स्ट, ये लाइन मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में खूब बोलता हूँ, जो लोग ऑफलाइन से होंगे उनको शायद ये लाइन याद होगी, माफी इन ऑकवर्ड शब्दों के लिए, लेकिन थोड़ा सा समझकर बोल रहा हूँ, समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि हमने, मेरी हमेशा की लाइन है, बुरा लगे माफ कीजिए, 250 पेज की कॉम्पिटेटिव इंग्लिश की बुक पढ़कर हमें इंग्लिश आती है, 250 पेज की 250 बुक पढ़कर भी इंग्लिश नहीं आ सकती, ये ऑनेस्ट वर्ड्स हैं, कोई बुरा ना माने, ठीक है। अब हम लोग ऐसे ही करते हैं, एक लाइन रट ली, जैसे मुझे हमेशा झेलना पड़ता है जब मैं आर्टिकल पहले दिन स्टार्ट करता हूँ किसी ऑफलाइन क्लास में जहां पर इंटरेक्शन पॉसिबल है, ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है, कि देखिए नाम के साथ आर्टिकल नहीं आता, सर द यूएसए, द यूएसए से, यूएसएसआर, द नेदरलैंड्स, द रॉक, कितने नाम के साथ आ, भैया रुक जाओ पहले मैं पढ़ा लूं उसके बाद आपको दूंगा। तो आपको भी डिस्क्रिप्शन दे दिया था, शेक्सपियर जब अपने नाम के लिए इस्तेमाल होंगे तो फिर किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, प्रॉपर नाउन आर्टिकल नहीं लेती है। लेकिन भैया दो तीन किताब पढ़ के खुद को शेक्सपियर समझते हो क्या? अब इस केस में खुद को शेक्सपियर समझना, यहां पर आपका नाम शेक्सपियर नहीं है लेकिन खुद को शेक्सपियर जैसे कवि समझते हैं या फिर पोइट या लिटरेचर या फिर इंटेलिजेंट समझते हैं, अब उस केस में शेक्सपियर अपने नाम के लिए नहीं, शेक्सपियर अपने काम के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, यहां पर यह प्रॉपर नाउन नहीं है, यहां पर शेक्सपियर कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल लिखा जा सकता है। अब कोई ये ना सोचे सर इन द क्लास लेके द शेक्सपियर क्यों नहीं लिखा, शेक्सपियर कोई भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, तो भैया मेरी क्लास में भी एक शेक्सपियर है, ऐसे हैं वैसे हैं, द शेक्सपियर एक कम्युनिटी के तौर पर आ जाएगा, मैं ये नहीं कहता आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी क्लास में बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो इंटेलिजेंट हैं, तो उस चीज को डिफाइन करने के लिए कि एकमात्र शेक्सपियर नहीं है, बहुत सारे शेक्सपियर हैं, मैंने अ लिखा है, आप चाहे यहां पर द भी लगा सकते हैं, वेरिएशन सिर्फ इतना है, आर्टिकल जरूर आएगा, लेकिन हाँ शेक्सपियर यहां नाम नहीं है, तो कोई ना सोचे नाम के साथ आर्टिकल है, अपने नाम के लिए अगर होते तो फिर उसका नाम शेक्सपियर नहीं होगा, अगर वो नाम शेक्सपियर है तो नो आर्टिकल, लेकिन जनरली हम लोग शेक्सपियर को उनके नाम के लिए नहीं, उनकी क्वालिटीज के लिए रेफर करते हैं, और प्रॉपर नाउन बिहेविंग इज अ कॉमन नाउन टू रिप्रेजेंट क्वालिटीज, आर्टिकल ले सकती है, डेफिनेट है, सिर्फ एकमात्र वही इंसान है जो क्लास में शेक्सपियर है, द शेक्सपियर ऑफ माई क्लास, ऑफ माई क्लास, लेकिन एक शेक्सपियर मेरी क्लास में भी है, एक उनकी क्लास में भी है, इनडेफिनेट सेंस में इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ओके, ही hit the boy on head and injured him badly, article the की need है यहां पर, head ये भी मैं आपको आगे का example और होगा, जिस चीज को शरीर में जिस काम के लिए, वही कहानी है, school, church, temple, university, jail, fire and all के लिए बनाया गया था, वही काम अगर वो part करता है तो उस केस में article की जरूरत नहीं है, तो head का काम brain का जो function करने का है वो काम कराइए, आप उसके साथ article मत लगाइएगा, लेकिन ही हिट द बॉय ऑन हेड एंड इंजर्ड हिम बैडली, अब आपने किसी के हेड को ब्रेन की फंक्शनैलिटी के लिए नहीं, मारने के लिए इस्तेमाल किया था, तो ब्रेन यहां पर हेड वाला काम ब्रेन का नहीं है, और उस काम के अलावा उससे कोई भी काम कराते हैं तो फिर डेफिनेट आर्टिकल या इनडेफिनेट, यानी आर्टिकल की नीड वहां पर बन जाती है, तो ही हिट द बॉय ऑन द हेड एंड इंजर्ड हिम बैडली, आपने हेड को अभी इस हेड होने के लिए, ब्रेन पावर के लिए इस्तेमाल नहीं किया, उसको मारने के लिए इस्तेमाल किया है, उस केस में आपका आर्टिकल जरूर आएगा, तो ही हिट द बॉय ऑन द हेड एंड इंजर्ड हिम बैडली। आई हैव रेड, मैं पहले यहां आर्टिकल रखने वाला था, सॉरी न्यूज, लेकिन आएगा आर्टिकल, नहीं आएगा, बस न्यूज के साथ हम इंडेफिनेट आर्टिकल तो नहीं लगा सकते बिकॉज ये काउंटेबल नहीं है, लेकिन ऑफ लगाकर आपने फिर डिस्क्रिप्शन बना दिया, भाई उसकी ये वाली न्यूज, वो वाली न्यूज, अब ये न्यूज डेफिनेट है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, तो आप इसे पहले तो डेफिनेट बना दीजिए। हाँ, इंडेफिनेट आर्टिकल्स नहीं आ सकते बिकॉज न्यूज अनकाउंटेबल है और ए और एन एक एक दिखाते हैं, तो एक न्यूज नहीं हो सकती, अनकाउंटेबल है, लेकिन अनकाउंटेबल्स को हम डेफिनेट बना सकते हैं जब उसकी क्वांटिटी ना दिखाई जाए, क्वालिटी दिखाई जाए, तो आपने उस बारे में खबर सुनी जो भी आपने लिखा होगा, सो आई हैव रेड द न्यूज, कौन सी, ऑफ हिज डेथ, ऑफ ऐसा, ऑफ वैसा, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है, द न्यूज ऑफ ऐसा, ऑफ वैसा, आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया, इन टुडेज, ये अच्छा होगा, लाइव होती तो मैं थोड़ा पॉज ले लेता, टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल आप लोग भी लिखें, प्रीमियर में जो लोग हैं, टाइम सेव करने के लिए मैं बोलूं द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसको बुरा लगे माफ कीजिएगा, आप प्रीवियस वीडियो देखिए, मैंने हर चीज समझाई है, यहां पर नो आर्टिकल होगा, यहां अगर आपने द लिखा तो आप गलत हो जाएंगे, क्यों सर, अखबारों के साथ तो आर्टिकल आता है, मैंने हमेशा कहा किसी सेंटेंस में उस शब्द का फंक्शन क्या है, ये सेंटेंस दिखाता है, रटे हुए वर्ड्स ग्रामर डिफाइन नहीं करते।
आप जब टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं, शॉर्ट में TUI लिखा है, उसको डेफिनेट बनाने के लिए एक ना एक डिटर्मिनर इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, और पढ़ाया था आर्टिकल्स इंग्लिश में एडजेक्टिव होते हैं। जब आप ऑलरेडी दिखा चुके हैं आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में, ये उसी टाइम्स ऑफ इंडिया का डिस्क्रिप्शन है, टुडेज टाइम्स ऑफ इंडिया, और जब एक बार कोई भी डिस्क्रिप्टिव सेंस दिया जा चुका है तो आगे आर्टिकल्स की नीड नहीं होती। जैसे एक छोटी सी लाइन इस बात को समझाने के लिए, मैं मान सकता हूं द मैन हु स्टोल योर पर्स, वो आदमी जिसने आपका पर्स चुराया था, क्योंकि मानव जाति तो नहीं है, तो आप यहां पर द लगा सकते हैं, ठीक है, अच्छा लग रहा होगा, द मैन सही है। मैं एक और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दूसरा लगा देता हूं, दिस मैन कह दिया, इस आदमी ने आपका पर्स चुराया था, ये वहां घूम रहा था, दिस मैन, ठीक है, आपने दोनों लाइन सुनी होंगी, द मैन भी सही है, दिस मैन भी सही है। सेकंड वाले में आर्टिकल लगा सकते हैं क्या, दिस द मैन हु स्टोल ऐसा वैसा, बोलकर देख लीजिए आपका आंसर ना होगा, दिस द मैन। तो कई डिटर्मिनर्स एक दूसरे का काम कर लेते हैं, कई चीजें एक दूसरे का काम रिप्लेसेबल कर सकती हैं, होते आर्टिकल्स भी एडजेक्टिव ही हैं। तो जब मैंने ऑलरेडी एक एडजेक्टिव प्लेस कर दिया है उसी काम के लिए, तो फिर दूसरे एडजेक्टिव की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे किसी वेरिएशन में, ऐसे एक और एग्जांपल और मार्क करूंगा आपको कि टुडेज टाइम्स ऑफ इंडिया, अब इसमें टुडेज द टाइम्स ऑफ इंडिया मत कहिएगा, हाँ आप टुडेज हटा दीजिए, इसमें से मत हटाइएगा, हटा नहीं सकते आप, अगर नहीं होता तो फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया जायज था। इस बात को समझाने के लिए दो एग्जाम्पल लिखे हैं, दिस मैन पॉसिबल है, द मैन पॉसिबल है, दिस बुक पॉसिबल है, द बुक पॉसिबल है, दिस द मैन ना सुना होगा ना होता इंग्लिश में, दिस द बुक या द दिस बुक ऐसा कुछ नहीं हो सकता। एक एडजेक्टिव लग गया, एक डिटर्मिनर लग गया, एक आर्टिकल लग गया, कंफर्टेबल है, और चीजों को आप सेम फंक्शन पर दोबारा नहीं लिख सकते, प्लीज ध्यान रखिएगा। द लाइंस आर कार्निवोरस, द काउ कम्युनिटी, अ काउ एनी काउ, काउज तो होती है ऐसी है, द काउज गलत है, तो द लाइन इज कार्निवोरस सही है, पूरी कम्युनिटी, अ लाइन इज कार्निवोरस, अरे कोई भी शेर होगा तो वो तो कार्निवोरस हो गई होगा, शेर तो ऐसे होते ही हैं, लाइंस आर कार्निवोरस, द लगाकर जानवरों की कम्युनिटी प्लूरल फॉर्म में डिफाइन नहीं की जाती, इसलिए यहां से आर्टिकल हटा दीजिए, क्योंकि आपको फिर दो करेक्शन नहीं करने पड़ेंगे, अगर आप आर्टिकल रखोगे तो ऐसी हटाओगे, ऐसी हटाओगे तो इज लिखोगे, और दो करेक्शन हम अवॉइड करें। सो लाइंस आर कार्निवोरस मस्ट बी ओके, आई रिपीट, द लाइन भी सही है, अ लाइन भी सही है, लाइंस भी सही है, द लाइंस गलत है, जैसे द डॉग, अ डॉग, डॉग्स, लेकिन द डॉग्स गलत हो जाता है। जानवरों की कम्युनिटी अलग तरीके से डिफाइन की जाती है, इंसानों की कम्युनिटी अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। द वेल फर्निश्ड हाउस, टाइम हो गया बट चलेगा, 5-7 सेंटेंस और हैं। द वेल फर्निश्ड हाउस, द वेल फर्निश्ड हाउस, एक किसी हाउस को डेफिनेट बनाया है, द वेल फर्निश्ड हाउस इज अ नेसेसिटी, एक जरूरतमंद चीज है, ऑफ या फॉर अ डिसेंट लिविंग, एक अच्छी खुशहाल जिंदगी के लिए। वो वाला घर वेल फर्निश्ड जरूरी है एक अच्छी खुशहाल जिंदगी के लिए, वो वाला घर जरूरी है, या फिर एक अच्छा घर हो, एक इंडेफिनेट, ना कि वो वाला घर जरूरी है, एक अच्छा घर है ये एक जरूरतमंद चीज है एक खुशहाल जिंदगी के लिए। यहां पर किसी भी चीज को आप डेफिनेट नहीं बनाए हैं, अगर आपका घर है, एक अच्छा घर हो, एक अच्छा परिवार है, हंसता खेलता परिवार होगा तो एक अच्छी लाइफ हम एंजॉय कर सकते हैं, सेम पैटर्न यहां पर है। तो यहां तो हाउस के आगे उसको डेफिनेट बना दो, ये वाला वो वाला नहीं है, तो ठीक है, फिर ए स्टैंड्स फॉर एनी, एनी वेल फर्निश्ड हाउस, कोई भी अच्छा घर होगा वो एक जरूरतमंद चीज हो जाती है एक अच्छी लाइफ के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, ठीक है। अ वेल फर्निश्ड हाउस, अ स्टैंड्स फॉर एनी। क्विक रिकॉल इस स्लाइड का, हमारी क्लास में भी एक शेक्सपियर है, यानी एक बहुत अच्छे इंसान है जो खुद को इतना इंटेलिजेंट समझते हैं जितना कि शेक्सपियर थे, प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है, आर्टिकल आप लगा सकते हैं। उस लड़के ने उसको सर पर मारा, हाथ में मारा, यहां मारा, वहां मारा, उस पर्पज ऑफ बॉडी पार्ट जो है उसके अलावा काम कराएंगे, मारने कूटने का शरीर के अंगों का फंक्शन नहीं होता, तो आप आर्टिकल प्लेस कर सकते हैं। हाँ, मैंने वो न्यूज देखी आज जो टाइम्स ऑफ इंडिया में आई थी, तो द न्यूज तो पॉसिबल है बिकॉज आगे डिस्क्रिप्शन है, अ न्यूज हो नहीं सकता, अनकाउंटेबल है, लेकिन टुडेज टाइम्स ऑफ इंडिया में ऑलरेडी एडजेक्टिव है, द मैन, दिस मैन पॉसिबल है, द दिस मैन या दिस द मैन नहीं होता, तो यहां द टाइम्स ऑफ इंडिया ना लिखें। द लाइंस गलत है, द लाइन, अ लाइन, लाइंस आर जायज होगा, और एक अच्छा घर हो, एक अच्छी खुशहाल जिंदगी के लिए एक जरूरतमंद चीज की तरह बिहेव करता है। सेकेंड लास्ट स्लाइड, ओके, 105 क्वेश्चन है, 105 है। वी, ये एक अच्छी लाइन है, हैव माइंड टू गिव यू अनदर चांस विद द प्रोजेक्ट,
माइंड इंग्लिश में नाउन होता है, नाउन होती है एक तरह से, माइंड दिमाग, ठीक है। तो वी हैव माइंड, हमारे पास दिमाग है आपको ये चीज, ये प्रोजेक्ट दोबारा देने के लिए। एक्चुअली ये इडियमेटिक लाइन है, जैसे टेल अ लाई मेक अ नॉइज, इस तरह से जाता हैव अ माइंड होता है, ठीक है। आप रटें आपकी मर्जी, मेरा फंक्शन वही है समझाने का, मैं दोनों तरह से समझा देता हूं। वी हैव माइंड टू गिव यू अनदर चांस विद द प्रोजेक्ट, ठीक है, हमारे पास दिमाग है आपको प्रोजेक्ट एक और चांस देने के लिए इसी प्रोजेक्ट के तौर पर। माइंड इज अ नाउन। माइंड इंग्लिश में वर्ब भी होती है। माइंड इंग्लिश में वर्ब कब होती है याद है, दोबारा मत बोल देना, माइंड इट सुना होगा, माइंड योर ओन बिजनेस। अब माइंड मत, कम ऑन यार, माइंड मत करना, मैं तो मजाक में बोला था। माइंड इंग्लिश में वर्ब भी होती है, दिमाग मतलब मेमोरी के तौर पर सब चीजें यही रहती हैं, तो माइंड मतलब किसी चीज को माइंड करना, दिमाग में रखना भी होता है। तो सर वो प्लीज अगर वो चीज की जरूरत पड़े मुझे कॉल कर देना, सर प्लीज मुझे बुलाने, हाँ भाई मेरे पास दिमाग है नहीं, हाँ मेरे दिमाग में है, यानी मेरी मेमोरी में है, मेरी याददाश्त में है कि अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं आप ही को एक और चांस जरूर दे दूंगा। तो यहां पर माइंड अगर नाउन के तौर पर लेते हैं तो ऑकवर्ड मीनिंग होगा, इसीलिए हैव वर्ब हो गई। माइंड याददाश्त में होने के लिए, मेमोराइज करने के लिए एक और वर्ब होती है जिसके पास आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, और दो वर्ब साथ में नहीं आती, आर्टिकल लगाकर उसे नाउन बिहेवियर दे दीजिए। अब जो वर्ब है अभी अपना नाउन का बिहेवियर देगी। तो एक और इडियमेटिक लाइन होती है, जैसे हैव अ गुड नॉलेज, हैव अ चैट, हैव अ बाथ, टेक अ बाथ, ऐसे वेरिएशन में हैव अ माइंड भी होता है किसी चीज को दिमाग में रखने के लिए, बिकॉज हैव वर्ब है, माइंड भी वर्ब है, दोनों को आप दो वर्ब साथ में नहीं आ सकती, एक को नाउन बनाकर उसका ऑब्जेक्ट बना दीजिए, ठीक है, प्लीज ध्यान रखिएगा। The beggar refused to tell us who is crueler of the two sons he possessed. मैंने इसमें करेक्शन किया था, एक्चुअली ये मेरी ऑफलाइन शीट्स का स्टेटमेंट है और मैं इसमें तीन मल्टी एरर्स पूछता हूं, तो तीन गलतियां थी, मैंने एक गलती मुझसे छूट गई लिखते वक्त, चलिए दो गलतियां यहां पर हमें मार्क करनी होंगी, वहां मैं तीन पूछता हूं, जो लोग ऑफलाइन के हों शायद उनको याद हो। द बैगर, उस भिखारी ने हमें बताया ही नहीं कि उसके दोनों बच्चों में से कौन सा ज्यादा क्रूअल है। तो एक गलती पहले मैं मार्क कर लूं, आप लोग भूल गए होंगे शायद कि यहां पर हु नहीं आएगा, यहां पर विच मार्क किया जाएगा। क्यों? चॉइस के केस में इंसानों के साथ भी विच का इस्तेमाल करते हैं, इनमें से कौन नहीं, इनमें से कौन सा, चाहे डिटेल तो आप यूज ऑफ विच का सेपरेट वीडियो है, यूज ऑफ हु, हुम, विच, दैट, व्हाट्सएप के अलग अलग वीडियोज हैं, प्रोनाउन की सीरीज में आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में डला होगा, फिर भी आपको याद होगा इनमें से कौन से खिलाड़ी ने यह खिताब जीता है। क्वेश्चन नहीं स्टार्ट होता हु ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स, क्वेश्चन स्टार्ट होता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स हैज डन दिस एंड दैट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स, तो वो चॉइस के लिए विच आता है, दो में से कौन सा, विच ऑफ दीज, ना कि हु ऑफ दीज। अब हाँ, फिर वही कहानी, ऑफ द टू सन्स, जब दो में से किसी एक को डेफिनेट बनाते हैं तो उसके साथ भी डेफिनेट आर्टिकल द ही लिखा जाता है। तो विच इज द क्रूअलर ऑफ द टू सन्स ही पजेस्ड, एक पुरानी याद है प्रोनाउन के चैप्टर की, हु की जगह विच आ जाएगा चॉइस के लिए, और उन दोनों में से ये बेहतर है, उन दोनों में से ये बेहतर है जब दूसरे का आंसर ना हो। पिछले वीडियो में भी पढ़ाया था, इस वीडियो में भी मार्क किया, क्लास में भी पढ़ाया था आपको, तब कंपैरेटिव डिग्री में भी डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वेरिएशन, द बॉक्सर डाइड, यही स्टेटमेंट मेरे दिमाग में था जब लास्ट स्लाइड में एक सेंटेंस था, उसको उसने हेड पर हिट किया और मारा, ऐसा ऐसा, द बॉक्सर डाइड, वो बॉक्सर मर गया। बॉक्स का मतलब पता है, बॉक्स मतलब डब्बा होता है, ठीक है, बॉक्स मतलब ये भी होता है, लीड, लीडर, डांस, डांसर, मैनेज, मैनेजर, उसी कैटेगरी में द वन हु बॉक्सेस इज कॉल्ड अ बॉक्सर। एक्चुअली बॉक्स का मतलब डब्बा भी नहीं होता, प्रिसाइजली अगर देखें बॉक्स का मतलब मुट्ठी होती है, किसी भी चीज को बंद करना होता है, और जब हमारी किताबें फालतू पड़ी हैं, वो नोट्स पड़े हैं, उनको रख दो यार किसी डब्बे में, मतलब बंद करके रख दीजिए, तो ये खुली हथेली जब बंद की जाती है इसे बॉक्स कहा जाता है, और उस बॉक्स को मारने वाले को बॉक्सर कहते हैं, ऐसे ही बंद करना चीजों को भी वो बॉक्स काम करने लगा है, वो उसी तरह से उसका मीनिंग है। तो बॉक्सर द वन हु बॉक्सेस, मुक्के मारना और पंच मारने को भी बॉक्स कहा जाता है, मुट्ठी बंद करके। ही डाइड, क्यों? बिकॉज ही वॉज हेल्ड बाय नेक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वो मर गया बेचारा, बिकॉज उसको बहुत समय तक गर्दन से पकड़े रखा, घसीटा, इसीलिए वो मर गया होगा। यहां भी वही फंक्शन है जो प्रीवियस स्लाइड में हेड के साथ था, ईश्वर ने नेक को पकड़कर घसीटने के लिए नहीं बनाया, किसी को मारने के लिए नेक नहीं बनाई है, उसका खुद का फंक्शन है, वो अपने फंक्शन के लिए काम आती है। और जब बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल आप उनके फंक्शनैलिटी के तौर पर किसी और काम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपको डेफिनेट आर्टिकल लिखना होगा। तो ही डाइड बिकॉज ही वॉज हेल्ड बाय नेक, नहीं बाय द नेक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई रिपीट, वही है जो लास्ट स्लाइड में था, हेड के लिए लिखा था आपने,
हाँ जी 94 ऑन द हेड एंड इंजर्ड हिम बैडली जस्ट अ सेक. और सेम वेरिएशन यहां पर है बिकॉज ही वॉज हेल्ड बाय द नेक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. जिस चीज को जिसके लिए बनाया है उस पर्पज पे तो आर्टिकल नहीं आता, उसके अलावा किसी और काम में लेते हैं तो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं. ठीक है, नेक का काम मारने कूटने का नहीं होता. नो डाउट, ठीक है, द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर्स ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट. इस तरह की स्ट्रक्चर मैंने आपको नाउन के टेस्ट पेपर में भी मार्क की थी, आप देख सकते हैं वहां पर. वापस मार्क करूं तो इस चीज को लिखने के दो तरीके होते हैं. जैसे मैं, मुझे मैथमेटिक्स पसंद है, अच्छा लगता है समझाना, कि अगर मैं 3 को कॉमन ले लूं तो मुझे 5 प्लस 7 एक ही बार लिखना होगा, दो दो बार नहीं लिखना होगा. तो इस लाइन को लिखने के दो तरीके हैं. या तो यहां से आर्टिकल हटा दीजिए, मैं दोनों लिख लेता हूं. एक करेक्शन तो ये हो जाएगा द फर्स्ट एंड सेकेंड, और उसके बाद आपका आंसर होगा चैप्टर्स. ये पॉसिबल है. ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी है, आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं द फर्स्ट. मैंने नाउन में इस बात को समझाया था, एक बार रिवाइज वापस कर दूं. एंड द सेकंड, फिर उसके बाद चैप्टर लिखा जाएगा, चैप्टर्स नहीं आएगा, चैप्टर ना के चैप्टर्स. ओके, ये सेम पैटर्न है. ये मैं चैप्टर कॉमन ले लेता हूं आपको समझाने के लिए. जैसे मैथ्स में आप ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं. अब चेक कीजिए, अगर वहां आपने चैप्टर्स लिखा जो एक्चुअल स्टेटमेंट में लिखा हुआ था, तो वो चैप्टर्स जब अंदर आएगा दोनों एडजेक्टिव्स के साथ, तो ग्रामर बनेगी द फर्स्ट चैप्टर्स, फर्स्ट चैप्टर्स, द सेकंड चैप्टर्स. Impossible. इसीलिए या तो कहिए, ये लिखने का तरीका होता है द फर्स्ट द सेकेंड चैप्टर, बिकॉज द फर्स्ट चैप्टर द सेकेंड चैप्टर. या फिर इन दोनों को कॉम्बिनेशनली ले लीजिए, द क्या फर्स्ट एंड सेकेंड, अब कितने हो गए दो, और दो के लिए आप चैप्टर्स लिख सकते हैं. आई रिपीट, मैंने नाउन में कुछ एग्जाम्पल लिखे थे द फर्स्ट एंड द सेकेंड लेन, लेकिन द फर्स्ट एंड सेकेंड लेन्स कही जा सकती है. द फर्स्ट एंड द सेकेंड बुक, लेकिन द फर्स्ट एंड सेकेंड बुक्स कही जा सकती है. ऐसे ही वेरिएशन से एक लिखने का अच्छा तरीका, द फर्स्ट एंड सेकेंड दो चैप्टर्स, लेकिन द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर इंडिविजुअली, जैसे ब्रैकेट आपको डिफाइन करता है, प्लीज वैसे ही ध्यान रखिएगा. क्विक रिकॉल इस स्लाइड का, हाँ मेरे दिमाग में है, याददाश्त में है, क्या जरूरत पड़ेगी मैं आप ही को बुला लूंगा, ना कि मेरे पास दिमाग है. वी हैव माइंड, सो वी हैव अ माइंड टू डेमोंस्ट्रेट दिस एंड दैट. चॉइस के केस में इंसानों के साथ भी विच का इस्तेमाल करते हैं, इनमें से कौन सा खिलाड़ी, विच ऑफ द प्लेयर्स, और उस केस में जब दो में से एक को कंपैरेटिव डिग्री में डिफाइन किया है, डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करें. तो विच इज द क्रूअलर, द क्रूअलर, ठीक है, शरीर के अंगों को जिस पर्पज के लिए बनाया था उस केस में तो आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन उसको मारने कूटने के काम में लेते हैं तो द नेक भी कहा जा सकता है. और सिमिलरली द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर, लेकिन द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर्स. लास्ट स्लाइड ऑफ आर्टिकल्स बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, वर्ब्स. माई कजन वॉन्टेड टू गो टू द कॉलेज, मेरा कजन कॉलेज जाना चाहता है. माइट भी उसका परसेप्शन कुछ और हो, लेकिन जब हम कहते हैं कि बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, पढ़ने का ही उद्देश्य मानते हैं, और स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, चर्च, यूनिवर्सिटी, जेल, फायर, प्रिजन के साथ उन्हीं के स्पेसिफिक पर्पज के लिए आर्टिकल मार्क नहीं किया जाता. तो माई कजन वॉन्टेड गो टू कॉलेज, ना कि द कॉलेज, ठीक है. लेकिन उसी में आगे मैंने खुद लिखा एक चीज और, एज अ कॉलेज वॉज एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग. अब जब आप कहते हैं कॉलेज कहाँ है, वो तो अगली क्रॉसिंग पर है. अब यहां पर कॉलेज का उद्देश्य पढ़ने पढ़ाने का नहीं है, एड्रेस दिखाने का या किसी और पर्पज का है, और जब उस चीज को उसके पर्पज के अलावा इस्तेमाल करते हैं तो आर्टिकल जरूरी है. तो एक ही स्टेटमेंट में कॉलेज के साथ आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन कॉलेज के साथ आर्टिकल आएगा. मीनिंग वही है, जब कॉलेज का इस्तेमाल पढ़ाई के उद्देश्य के लिए करें आर्टिकल मत लगाइए, लेकिन जब कॉलेज का इस्तेमाल एड्रेस दिखाने के लिए किसी और पर्पज के लिए करते हैं, चलो आज कॉलेज चल रहे हैं, मैच खेलेंगे वहां पर, तो आपको द कॉलेज लिखना होगा, और पढ़ाई के लिए उस चीज के साथ आर्टिकल नहीं आएगा उसके बेस फंक्शन पर. ये कुछ पैटर्न्स मैंने मार्क नहीं किए हैं बिकॉज डिफरेंट एग्जाम्स अपना डिफरेंट वेरिएशंस रखते हैं, तो माफ कीजिए मुझे ना पढ़ाने के लिए, मैंने ये नहीं पढ़ाया. बट आप वर्बल याद रखें, मैं अभी बोल देता हूं, जनरली अगर आप एसएससी या स्टेट लेवल एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, एसएससी के भी आंसर कई बार गलत होते हैं, जिनमें से वो कई बार इसको नो एरर मान लेती है, कई बार जबरदस्ती एरर मार्क कर देती है. आपने अगर, मैंने पिछले 8 साल के एसएससी के हर एग्जाम के पेपर देखे हैं, तो मैं ये शब्द बोल सकता हूं, कभी कभी इन एग्जाम्स में ऐसी एरर आ जाती है, आप ध्यान रखिएगा, इलेक्ट, सिलेक्ट, अपॉइंट, डिक्लेयर, मेक, क्राउन, चुनकर किसी को कुछ बना देना. आई रिपीट, इलेक्ट, इलेक्शन, चुनकर बनाते हैं, सिलेक्ट, हमने तो उसे चुना है,
अपॉइंट, हमने उसे अपॉइंट कर दिया, नियुक्त करना वही की मीनिंग होता है। मेक, आज से आपको राजा बनाते हैं। मेक क्राउन, किसी को ताज पहना देना, या फिर डिक्लेयर, आज से आप ही राजा घोषित होते हैं यहाँ के। ऐसे शब्दों के साथ अक्सर, मैं कभी बाद में इन चीजों को पढ़ाऊंगा क्योंकि इनके पीछे रीजन होता है। एसएससी जो मान लेती है, छोटे एग्जाम्स में जो मान लेते हैं, वो फॉर्मल पार्ट है, उसके अलावा भी वेरिएशंस होते हैं, तो मैं उसको स्टैंडर्ड रूल बनाकर नहीं पढ़ा सकता। ये लाइन गलत भी है कि इनके साथ आर्टिकल नहीं आते, और सही भी है, तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, आप बुक से पढ़ सकते हैं। मैंने जनरल 2-3 एग्जाम्पल मार्क कर दिए हैं। आई रिपीट, मैं यहां पर लिख देता हूं, इलेक्ट, सिलेक्ट, अपॉइंट, डिक्लेयर, मेक और क्राउन। हो सकता है ऐसे कुछ और भी वर्ड्स आपकी बुक में दिए हों, मीनिंग सेम जाएगा। किसी को ताज पहनाना, बना देना, बना देना, चुनकर बनाने के पर्पज से। इनके साथ जो सेकंड ऑब्जेक्ट आता है, उसके साथ आर्टिकल प्लेस नहीं किया जाता। सो आफ्टर अ लॉन्ग अवेटेड टाइम, बहुत समय बाद, आडवाणी सन वॉज इलेक्टेड द स्पीकर ऑफ द असेंबली। तो थोड़ा ऑकवर्ड होगा, जिन्होंने पढ़ा है आप चेक कीजिएगा। मैं फॉर्मेलिटी नहीं कर सकता, इसलिए आपके एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं। अगर आपके एग्जाम में इस तरह का स्टेटमेंट है, तो वो एरर डिटेक्शन में मार्क एरर होगी। आरसी पैराजम्बल में इसमें कोई एरर मार्क नहीं होगी, कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहां आप कह सकते हैं, सर आगे डिस्क्रिप्शन है, तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द स्पीकर ऑफ द असेंबली, द किंग ऑफ द कंट्री, जो आप कहना चाहें, माफ कीजिएगा, इन्हीं फॉर्मेलिटी के तौर पर, चूंकि यहां इलेक्ट का ऑब्जेक्ट है, सिलेक्ट का ऑब्जेक्ट है, मेक, डिक्लेयर, अपॉइंट, क्राउन जैसे शब्दों का ऑब्जेक्ट है, तो आगे डिस्क्रिप्शन भी क्यों ना हो, इसका रीजन मैं भी बोल रहा हूं, इसके पीछे रीजन है, इसलिए चीज मैंने नहीं पढ़ाई क्लास में, तब भी इनके साथ आर्टिकल मार्क नहीं किया जाता। अगर आपके एग्जाम में ये एरर डिटेक्शन है, हाँ, द स्पीकर नहीं होगा। आरसीज में पढ़ने को मिले तो मुझे ब्लेम मत कीजिएगा, इसलिए मैंने फॉर्मेलिटी नहीं की है। बुक्स में ऐसे रूल लिखे होते हैं, द स्पीकर ना होकर स्पीकर ऑफ द असेंबली, इलेक्ट, सिलेक्ट, अपॉइंट के साथ ऑब्जेक्ट्स में आर्टिकल्स नहीं आते, चाहे वो डिस्क्रिप्शन के साथ क्यों ना हो, प्लीज ध्यान रखें। सिमिलरली नेक्स्ट मंथ दे आर गोइंग टू क्राउन हिम द किंग ऑफ दिस टाउन। भाई, इस शहर का राजा बनाने वाले हैं उसको, डेफिनेट तो है, माफ कीजिएगा, क्योंकि ये क्राउन का ऑब्जेक्ट है, अपॉइंट, सिलेक्ट, इलेक्ट, मेक, ऐसे किसी भी चीज का अगर ऑब्जेक्ट है, तब इनके साथ आर्टिकल्स प्लेस नहीं किए जाते। मजबूरी वश ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि माफ कीजिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता, वेरिएशंस होते हैं इनके। सो नेक्स्ट मंथ दे आर गोइंग टू क्राउन हिम किंग ऑफ द टाउन, द किंग। अगर यहां प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी होता, तब भी प्राइम मिनिस्टर के साथ आर्टिकल नहीं आता। अगर द कैप्टन ऑफ द टीम होता, तब भी कैप्टन के साथ आर्टिकल नहीं आता, इसीलिए मैं बाद में पढ़ाऊंगा। इलेक्टेड स्पीकर ऑफ द असेंबली, इलेक्टेड या सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्राउंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, या फिर क्राउन, या फिर मेड, सिलेक्टेड, अपॉइंटेड, इन शब्दों के साथ आर्टिकल प्लेस ना करें। और लास्ट एग्जाम्पल, ऑल दो रामायण, एक सेकेंड, रामायण धार्मिक पुस्तक है, आर्टिकल प्लेस कीजिए, द रामायण, द महाभारत, द भागवत गीता, ETC, ऑल दो द रामायण इज रिटन बाय अ फ्यू राइटर्स, बट आई प्रेफर द वाल्मीकिज रामायण। शायद मुझे इसको समझाना पड़े डिटेल में, सही तो है सर, ध्यान रखिएगा दो वेरिएशंस के तौर पर। व्हेन यू से द कपिल शर्मा शो, कई बार पढ़ा दिया, ये कॉमन एग्जाम्पल मैं यूज कर लेता हूं। मान लीजिए मैं लिख दूं द कपिल शर्माज शो, ये गलत हो जाएगा, क्यों? फर्स्ट स्टेटमेंट में आर्टिकल शो तक चला जाएगा, कपिल शर्मा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन बिहेव कर सकती है, नाउन बिहेव कर लेती है। सेकंड स्टेटमेंट में अपोस्ट्रोफी लगी है, एक बैरियर यहां पर आएगा और शो तक आर्टिकल नहीं पहुंचेगा, जैसे अभी अभी समझाया टुडेज टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर आर्टिकल नहीं आएगी, एडजेक्टिव आ तो गया, और द कपिल शर्मा नहीं हो सकता क्योंकि नाम के साथ आर्टिकल प्लेस नहीं किए जाते, इसीलिए द कपिल शर्मा इंपॉसिबल होगा। सेम वेरिएशन यहां पर है, माना कि हम रामायण महाभारत के साथ आर्टिकल लगाते हैं, लेकिन अगर उसके पहले किसी इंसान का नाम है, मैं रूल नहीं बोलूंगा, सीधा सा आंसर है द वाल्मीकि रामायण नहीं हो सकता, क्यों? वाल्मीकि रामायण नहीं हो सकता, क्यों? वाल्मीकि प्रॉपर नाउन है, उनका नाम है, और नाम के साथ आर्टिकल प्लेस नहीं किए जाते। सर द कपिल शर्मा भी होता है, उसमें अपोस्ट्रोफी एस नहीं होता, आप ये भी कर सकते हैं, मैं अथॉरिटी रखता हूं, अपोस्ट्रोफी एस हटा दीजिए और ये सही हो जाएगा, द वाल्मीकि रामायण, द कपिल शर्मा शो, द मोदी गवर्नमेंट, द विराट कोहली टीम, ETC। लेकिन जब तक यहां पर अपोस्ट्रोफी एस है, आर्टिकल आगे नहीं बढ़ सकता और आर्टिकल रहेगा वाल्मीकि के साथ, और वाल्मीकि राइटर का नाम है, नाम के साथ आर्टिकल प्लेस नहीं किए जाते। तो यहां पर भी वही कहानी है, एडजेक्टिव लग चुका है, टुडेज टाइम्स ऑफ इंडिया, टुडेज जनरेशन, अब आप इसमें द जनरेशन या टुडेज द जनरेशन या दिस द मैन नहीं कह सकते।
क्विक रिकॉल इस स्लाइड का और इसको फिनिश करना चाहूं। मेरा भाई कॉलेज जाना चाहता है, कॉलेज नो आर्टिकल, लेकिन कॉलेज तो यार थोड़ा दूर है। अब यहां एड्रेस है द कॉलेज। इलेक्ट, सिलेक्ट, अपॉइंट, डिक्लेयर, मेक, क्राउन, ऐसे शब्दों के साथ ऑब्जेक्ट आर्टिकल जनरली नहीं लेता। द स्पीकर नहीं होगा भले ही डिस्क्रिप्शन है, द किंग, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट नहीं होगा भले ही डिस्क्रिप्शन है। रामायण के पहले आर्टिकल यूज करें, लेकिन अगर उसके पहले किसी भी राइटर के नाम पर अपॉस्ट्रफी एस है तो आर्टिकल नहीं लिखा जाता। एक डिटर्मिनर एडजेक्टिव आप ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं, ठीक है। टाइम जो भी रहा होगा इसका 135 के आसपास वापस होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। आज मैं फोर्थ टॉपिक आर्टिकल फिनिश कर चुका हूं जब ये वीडियो अपलोड किया है। अगर आप इसे बाद में देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट सारी बनी हुई है, आप लोग चेक कर सकते हैं। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, थैंक्स अ लॉट फॉर द काइंड सपोर्ट ऑफ योर्स। काफी कुछ अचीव किया है मैंने भी आपके सहारे और आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा है मुझसे। यही सपोर्ट आगे भी बनाई रखेगा। आर्टिकल्स के टॉपिक को यहां पर फिनिश करना चाहूंगा चंद शब्दों के साथ। एक चीज यहां वापस मार्क कर दूं कि सेपरेट प्लेलिस्ट है हर पार्ट ऑफ स्पीच की। आप मेरे चैनल को स्क्रॉल करते वक्त प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए तो आपको हर चीज वहां पर मार्क हो जाएगी। सब वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में मार्क कर रहे हैं, वोकैबुलरी के अलग, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, हर चीज की अलग अलग सेपरेट प्लेलिस्ट है जहां पर हर वीडियो को उस स्पेसिफिक फंक्शन के लिए डिटेल में मार्क किया है। आप मुझे टेलीग्राम पर प्लीज ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स वहां पूछ सकते हैं। चैनल ग्रुप दोनों है इंग्लिश बाय कपिलदेव शर्मा और अन अकेडमी पर प्लस एजुकेटर हूं बैंकिंग स्ट्रीम में। अगर आप बैंक के हैं मोस्ट वेलकम देयर। हाँ, किसी भी चीज का सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज कपिल सर, और अपने किसी भी सब्सक्रिप्शन पर फ्लैट 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। किसी भी चीज, चाहे SSC, बैंक, UPSC, स्टेट PSC और किसी भी एग्जामिनेशन के सब्सक्रिप्शन से पहले 10% फ्लैट डिस्काउंट पाने के लिए कपिल सर प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी, थैंक्स अ लॉट फॉर योर एनकरेजमेंट एंड सपोर्ट दैट यू हैव ऑलवेज गिवन टू मी। वुड लव टू सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो जो हम से कई लोगों का मोस्ट अवेटेड है। सर वर्ब कब स्टार्ट होगी, वर्ब कब स्टार्ट होगी, वर्ब कब स्टार्ट होगी। तो नेक्स्ट वीडियो वर्ब का होगा, मिलते हैं आपसे प्रिटी सून, एक दिन छोड़कर वापस। थैंक यू वेरी मच, दिस इज कपिलदेव शर्मा, ऑलवेज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय कपिलदेव शर्मा। थैंक्स अ लॉट।